Now we are starting today's session. Very warm welcome to all of you in this online orientation on how to approach research in social science, conceptualization and methodological intervention. It is a semester long program which is going to be done between July 2022 December 2020, organized by Seeker, Rajasthan, in association with knowledge partners, Pandit Deen Dayal Upadhyay Shekhawati University, Seeker, Department of Geography, Government Arts College, Seeker, Department of Geography, Government Lohia College, Churu. We are very happy that today we have with us Professor Y.G. Joshi, sir, from MPISSR Ujjain MP. And he is going to speak on challenges of empirical research in social sciences. He is having vast experience and detailed introduction you will get from today's moderator, Dr. Renu Punia. Before starting today's session, we have the structure that we present the report of previous session. And the last session was with Professor Santosh Kumar Shukla. I will request first Dimpe Saini to present the report of the previous session in Hindi. Dhanyavaad, Jitendra sir. यहाँ उपस्थित आज के वक्ता प्रोफेसर जोशी, आयोजककर्ताओं एवं श्रोताओं को सादर अभिनंदन। गत 16 अगस्त 2020 को शोध पर आयोजित इस वेबिनार का छठा व्याख्यान प्रोफेसर संतोष शुक्ला द्वारा दिया गया। प्रोफेसर संतोष शुक्ला डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से सेवानिवृत्त हैं। आप स्नातकोत्तर भूगोल में गोल्ड मेडलिस्ट रहे तथा आपने 1976 में अपनी पीएचडी की डिग्री पूर्ण की। इससे पूर्व ही आप 1972 में व्याख्याता बने तथा 1998 में प्रोफेसर पद का दायित्व से 2013 में सेवानिवृत्त हुए। इसी दौरान आप भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष, जनसंख्या शोध केंद्र के निदेशक, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस के डीन, IQAC के सदस्य तथा दूर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक के तौर पर आपने सेवाएं दी। आपकी 8 पुस्तकें एवं 53 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप 42 वर्षों से शोध क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस दौरान आपके औद्योगिक भूगोल, पर्यावरण प्रबंधन, ग्रामीण विकास, शोध उपागम जैसे क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। आपने अब तक 24 पीएचडी डिग्री निदेशित तथा 2 यूजीसी शोध परियोजनाएं पूर्ण की हैं। शोध विषय पर व्याख्यान हेतु सत्र की शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र डी सोनी ने सभी का स्वागत करते हुए की। तत्पश्चात आपने पिछले व्याख्यान के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सर्वप्रथम अंग्रेजी में प्रस्तुति के लिए सुश्री मोनिका बिस्ट तथा हिंदी में प्रतिवेदन प्रस्तुति के लिए सुश्री रेणु बगरिया को आमंत्रित किया। आप दोनों ने अपने उत्कृष्टता सिद्ध करते हुए पिछले सत्र का सारांश प्रस्तुत किया। सत्र को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रविंद्र कुमार द्वारा प्रोफेसर संतोष शुक्ला की जीवन उपलब्धियों से परिचय कराते हुए उन्हें व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। प्रोफेसर संतोष शुक्ला ने अपने व्याख्यान से पूर्व आयोजक कमेटी को आयोजित किए जा रहे वेबिनार को अति आवश्यक बताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात आपने विषय अनुसंधान के आयाम कुछ मुद्दे पर अपनी बात शोध को लेकर शोधार्थियों के मन में पनपने वाले भ्रम से की। आपने बताया कि शोध के विभिन्न आयामों में समय समय पर चुनौतीपूर्ण कठिनाइयां आती रहती है, जिसके साथ ही भ्रांतियां भी बढ़ती जाती है। शोधार्थियों को होने वाली कठिनाइयां, उनका समाधान एवं सुझाव। शोधार्थी शोध विषय के बारे में नहीं सोचता। आपने बताया कि सामान्यतः शोधार्थी शोध विषय के चयन एवं उसके पश्चात विषय वस्तु बनाने हेतु सोचता ही नहीं है। शोध तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह एक वैचारिक प्रक्रिया है, चलनी चाहिए। विषय के बारे में लगातार विचारने से ही शोधार्थी गुणवत्तापूर्ण शोध को प्राप्त करता है। जो सोचे हैं उसे लिखें। अमूमन कई शब्द सोचने पर शोधार्थी के दिमाग में आते हैं, परंतु उसे ना लिखने से कुछ याद रह जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। सोचने की प्रक्रिया में सदैव जो भी सोचे उसे जरूर लिखें। जो सोचा है उस पर विचार बनाएं। सोचने की प्रक्रिया से कई शब्द, कई सवाल मन में उत्पन्न होंगे जिनसे विचार बनेगा। विचार वह है जिसे संप्रेषित किया जा सकता है। विचार को संप्रेषित करें। जो सोचकर विचार बनाया है उसे उसी भाव के साथ संप्रेषित करना आवश्यक है। अक्सर जो हमारे विचार होते हैं उन्हें हम ठीक से उसी भाव के साथ पूर्ण रूप से संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए आपने बताया कि जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमें किसी एक तरह का कपड़ा चाहिए, दुकानदार को स्पष्ट शब्दों में नहीं बता पाते। शोधार्थी को लिखित संप्रेषण द्वारा उत्तम ढंग से अभिव्यक्ति करना आना चाहिए। सृजन करें। शोध सृजन की प्रक्रिया है। जब आप सोचने के पश्चात विचार लिखते हैं, अर्थात आप सृजन कर रहे हैं। सृजन हेतु सटीक शब्दों का चयन। जब हम किसी विचार को लिखित रूप देने लगते हैं तो उसी भाव से अभिव्यक्ति हेतु उत्तम शब्दों के चयन की समस्या सामने आती है।
अब आपके पास उस भाव को व्यक्त करने हेतु सटीक शब्दों का होना आवश्यक है। आपने आग्रह किया कि शब्द लिखते चलें और उसके बोध से जांचें, परखें। यदि विचार के भाव स्पष्ट नहीं करता है तो दोबारा लिखें। शब्दों से वाक्य बनना है। विभिन्न शब्दों को जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं जो हमारे विचार को चरितार्थ करते हैं। परंतु कई बार शब्दों से वाक्य तो बन जाते हैं परंतु वह भाव नहीं आता जो हम इसे देना चाहते हैं। इस हेतु पुनः सही शब्दों का उपयोग करें। वाक्य निर्माण के पश्चात हमें दो वाक्यों को जोड़ना होता है। दो वाक्यों को जोड़ने हेतु पुनः किसी शब्द का उपयोग होता है। हम हमारे विचार को सृजन करने लगे हैं। सोचने का काम हमने अलग अलग तरीके से किया परंतु जब हमने वाक्य बनाकर उन्हें जोड़ा तब एक बोध सामने आया। शब्द भंडार कैसे बढ़ाएं? एक शोधार्थी के पास शब्दों का भंडार होना अत्यंत आवश्यक है। आपने बताया कि हम किसी भी भाषा में नहीं सोचते। जब भी हमारे सामने नया शब्द आए तो उसे तुरंत उसका हिंदी अंग्रेजी अर्थ देखें। उसी समय उसका पर्याय शब्द देख लेते हैं तो हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार निरंतर हम अपना शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं। लिखने के पश्चात हम दोबारा पढ़ें। कई बार शोधार्थी अपने लिखे हुए पत्र को दोबारा नहीं पढ़ता है जिससे उस पत्र में सामान्यतः भूल रह जाती है। कई बार दोबारा पढ़ने से शोध पत्र में अनावश्यक वाक्यों की छटनी हो जाती है जिससे उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। अंतराल लें। आपने बताया कि शोध समयबद्ध क्रमबद्ध सृजनात्मक सतत प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा काम किया परंतु कुछ समय छोड़ दिया फिर पुनः आरंभ किया तो वह जीवंत नहीं रहेगा। वह शोध एक काम बनकर रह जाएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति। आपने एक फोटो के माध्यम से समझाया कि कैसे हम आरंभिक चुनौतियों से सफलता का मार्ग तय करते हैं। सर्वप्रथम यह भाव जन्म लेता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। कठिनाइयों को भांपते हुए वह सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वह समस्याओं को समझने की कोशिश करता है उसे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। संभावना पाते ही उसके मन में इच्छा शक्ति जन्म लेती है और अब वह यह कहता है कि मैं यह करना चाहता हूँ। अब यह तय हो चुका है कि उसे यह करना है तो उसे ये कैसे किया जाए इस संदर्भ में वह विचार करने लगता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से वह कोशिश करता है और अंत में वह संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लेता है। ठीक यही प्रक्रिया शोध विषय के चयन से पूर्ण होने तक चलती है। आपने शोधार्थी के लिए शोध का अंग्रेजी शब्द रिसर्च का अक्षरशः वर्णन किया। आर सोच का तर्कसंगत तरीका। दिपेश बेटा समरी करो। यस सर जस्ट अ मिनट। आर सोचने का तर्कसंगत तरीका। ई विशेषज्ञता और संपूर्ण उपचार। एस समाधान के लिए खोज। ई सटीकता। ए पर्याप्त आंकड़ों के साथ उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण। आर तथ्यों के मध्य संबंध। सी सावधानी पूर्वक संग्रहण और महत्वपूर्ण अवलोकन। एच ईमानदारी और कड़ी मेहनत। आपने सिनॉप्सिस लिखते समय निम्न सावधानियां रखने की बात कही। टाइमलाइन को सृजित करें उठाए नहीं। अपने उद्देश्य का सटीक शब्दों में वर्णन करें। शोध में जिस भी विधि का उपयोग करें उसका स्पष्ट कारण दें और अनावश्यक विधि का उपयोग से बचें। जिस विषय में आप शोध करना चाहते हैं उसमें अब तक क्या क्या काम हो चुका है उसको अच्छे से पढ़ें। शोध में सुझाव लिखने के बजाय निवारक उपाय लिखें। साहित्य अवलोकन व ग्रंथ सूची साथ में तैयार करें। अंत में आपने कुछ शोध पत्रों का अवलोकन कराते हुए बताया कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं और जिससे हमें बचना चाहिए। व्याख्यान के पश्चात डॉक्टर रविंद्र कुमार द्वारा शुक्ला सर को धन्यवाद दिया गया तथा उन्होंने व्याख्यान का सारांश प्रस्तुत किया। इसके उपरांत प्रश्न उत्तर सत्र आरंभ हुआ। पूछे गए प्रश्नों का शुक्ला सर ने बड़ी ही उत्तम तरीके से सटीक शब्दों में उत्तर दिया। इसके पश्चात डॉक्टर जितेंद्र डी सोनी ने आपको धन्यवाद देते हुए डॉक्टर मुनेश कुमार को आमंत्रित किया। डॉक्टर मुनेश ने संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर जितेंद्र डी सोनी ने औपचारिक सत्रावसान की घोषणा की। सारांश प्रोफेसर संतोष शुक्ला ने अनुसंधान के मूल समझ और कठिनाइयों का निवारण करके अनुसंधान के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। प्रोफेसर शुक्ला ने अनुसंधान के आयामों को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया। चर्चा का विषय प्रतिभागियों को अनुसंधान के मूल विचार और एक सफल शोध के लिए पालन किए जाने वाले चरणों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तर सत्र बहुत जीवंत एवं आकर्षक था। प्रोफेसर शुक्ला ने सभी प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर देते रहने का प्रयास किया, इसलिए सत्र बहुत ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक रहा। धन्यवाद। धन्यवाद डिम्पेश, बहुत सुंदर सार प्रस्तुत किया। और हमें आगे से ये ध्यान रखना है कि हमें एक सार की समरी के लिए 5 मिनट का वक्त मिलता है। बाकी जो बातें शुक्ला साहब ने कही उनको बहुत ही बेहतरीन से रिपोर्ट
मौसम बाबल के द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन आज इम्पोर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग होने के कारण मौसम जो है वो मीटिंग अटेंड कर रही है, हमारे बीच अभी जुड़ नहीं पाई है। तो मैं रेनु से आग्रह करूंगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ मौसम। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज रेनु बगटिया। आई एम प्रेजेंटिंग ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन 16th अगस्त सेशन। द लेक्चर वॉज डिलीवर्ड बाय प्रोफेसर संतोष शुक्ला, who is a retired professor from the Department of General and Applied Geography, School of Applied Science, Dr. Hari Singh Gore, Central University, Sagar, Madhya Pradesh. The topic of Professor Shukla's lecture was Dimensions of Research, Some Issues. Dr. J.D. Soni started the session and welcomed all. Professor Shukla discussed different dimensions of research that would help the researchers in developing appropriate knowledge of the process of research. He highlighted the following points in his discussion. First of all, he told that research is a continuous thought process. Then he described what is research, which contains rational way of thinking, expert treatment, search for solution, exactness, ample analysis with adequate data, relationship of facts, careful recording and observation, honesty and hard work. Then he discussed about the structure of synopsis, which contains title of thesis, purpose of research, a brief review of the work already done in the field, proposed methodology, expected outcome of the proposed work, bibliography in standard format, list of papers published by the candidates. In the end of the session, there was a question answer round. Further, the moderator, Dr. Ravindra Kumar, gave a quick recap of the discussion. Dr. J.D. Soni thanked the speaker and participants, and formal vote of thanks was given by Dr. Munesh Kumar. Thank you. Sir, unmute karein. Mic on nahi hai, J.D. sir. Yes, my voice is, I'm audible now. Yeah. Thank you, Renu Bagaria. You have presented a report very well and in a very concise form. So now for this today's session, I again welcome Professor Y.G. Joshi from MPISSR Ujjain. He is going to speak on challenges of empirical research in social science. And for the introduction of Professor Y.G. Joshi, as well as for the moderation, I request Dr. Renu Punia. Dr. Renu Punia is Assistant Professor in Geography in Government College, Ajmer. Thank you, Dr. Jitendra Soni, sir. And it's a pleasure of mine that I am here to introduce such a personality to the participant, who is meritorious from throughout his career. And he is Dr. Yashwant Govind Joshi ji, Professor Emeritus from Madhya Pradesh Institute of Social Science Research, Ujjain. And I have a long list, but I want to start it with his academic qualifications, or I can say that the last one of his academic qualification, that is his MSc in Geography, PhD in Geography, and as well as he has interest in the music also. So he has done Masters in Indian Classic and Vocal also. Next point, which is just to show to the participant that sir has a lot of scholarships and fellowships. It is started with the 1967 when he was awarded with the junior fellowship from the UGC. Then he continuously topped three continuous PSC selection list for the lectureship, then for the post of professorship, and then again for the post of professorship at the Ambedkar Institute in 1989. Then he awarded senior fellowship by ICSSR for 2 years. And the important thing is that, which is really very important to cite here, that he was honored on 16 September 2005 jointly by the Center for Land Use Management, Hyderabad, National Remote Sensing Agency, Hyderabad, Institute of Science and Technology, Hyderabad, Bhu Vigyan Vikas Foundation of New Delhi, and International Institute of Geospatial Information and Communication Technology, Hyderabad,
for his work on outstanding, distinguished, and incessant effort towards eliminating the bigotry in the social fabric of the country and commitment for the upliftment of the unprivileged, which is such a huge award which he received. Then he is awarded the prestigious Bhul Bhushan Award in 2009 by the Deccan Geographical Society of India. Then he is elected as the national president of NAGI for in 2012. Then he facilitated Lifetime Achievement Award by the Society of Dr. Bhimrao Ambedkar National Institute of Social Science, Mau. I have here your biodata, sir, which showing me that you have such a 39 years long teaching experience with some administrative experiences also. You acted as a consultant for the identification of other backward communities for inclusion in OBC list for Madhya Pradesh Backward Classes Commission, Bhopal. Then you have a long research experience also. 28 students have done PhD under the guidance of you, and 41 MPhil dissertation you have guided. So it's a long experience in research also, sir. And there is a long list of the research projects which you have completed. That is 26 research projects, and some are from UGC New Delhi, ICSSR, DST, MP Council of Science and Technology, Ministry of Social Justice, Ministry of Environmental, and so on. Next, which I want to mention here, that you have presented 158 invited lectures and 11 books you published. One of them is it is a very too heavy data, biodata, to handle here. Without wasting time, I'm humbly request you to deliver your lecture on the challenges of empirical research in social science. So now it's over to you, sir. YG Joshi, sir. Sir, unmute, please. जोशी सर, माइक को आप अनम्यूट कीजिए। माइक ऑन नहीं है सर आपका। जितेंद्र सर, जेडी सर आप भी अनम्यूट नहीं है सर, जेडी सर आप भी अनम्यूट नहीं है। जोशी सर, अब आप अनम्यूट करिए, आपका सिस्टम अनम्यूट होगा। हो गया? Yes. हो गया। यस सर, यस सर, हो गया। मुझे कम आता है। इट्स फाइन सर। हम उस जमाने गए जबकि कैलकुलेटर भी नहीं होगा करता था। कैसेट मशीन से डेटा प्रोसेस करते थे, टाइपराइटर हुआ करते थे। आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा ये एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर विशेष रूप से। एक तो आपको मैंने जो पावर पॉइंट है वो मैंने पहले ही भेज दिया था जितेंद्र जी को, तो शायद वो सबको मेल कर दिया गया होगा, है ना। और मुख्य रूप से मुख्य बात ये आप ध्यान रखिए कि मैं कोई किताबी बात नहीं बोलूंगा, मैं वो बातें करूंगा जो कि मेरे अनुभव से निकली हुई है। क्योंकि सैकड़ों गाँव में गए हैं, साइकिल से गए हैं, पैदल गए हैं, बैलगाड़ियों पर गए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बेस के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग सम माई टॉक ऑन एम्पिरिकल रिसर्च, मैं कुछ चार पांच बातें जो मैंने पीएचडी की थीसिस, मेरे पास बहुत सारी आती हैं और आपके जयपुर से भी बहुत सी आई थी, उन सब में एक बड़ी कमियां होती हैं और जो मुझे समस्या होती है वो पहले मैंने चार पांच पॉइंट हैं जिनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक कॉमन जो होता है, जो विषय बनाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ये कहा कि वुमेन्स एम्पावरमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू, लोग लिखेंगे छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट,
अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं कि विद स्पेशल रेफरेंस, तो हमारा सवाल रहता है कि व्हाट इज द स्पेशल इन इट। आपने जब स्पेशल रेफरेंस लिखते हैं तो स्पेशल मालूम होना चाहिए। अमूमन होता क्या है कि लोग लिखते जरूर स्पेशल पर उसका उनके पास जवाब नहीं होता है। मुझे याद है कि एक लड़की ने लिखा था कि लेबर प्रॉब्लम्स ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू कटनी। तो जब मैंने पूछा उससे कि भाई कटनी में ऐसा क्या है, व्हाट इज स्पेशल इन कटनी, तो बोले वहां पर हमारे जीजा जी मैनेजर हैं, तो उससे मुझे आंकड़े मिल जाएंगे। ये स्पेशल नहीं होता भाई। तो स्पेशल, या तो स्पेशल रेफरेंस लिखो मत, और अगर लिखते हो तो यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज स्पेशल इन इट। नंबर टू पॉइंट जो आता है, लिखेंगे कि राजस्थान में जल समस्या का विवेचन, एक भौगोलिक विश्लेषण। फिर दूसरा लड़का लिखेगा उसमें एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण। तीसरा लिखेगा एक आर्थिक विश्लेषण। अरे भाई भौगोलिक है तो मुझे समझाते आना चाहिए आपको किसमें भौगोलिक क्या है, या तो केवल विश्लेषण लिखो, और अगर समाजशास्त्रीय लिखते हो तो आपको ये बताते आना चाहिए कि इसमें समाजशास्त्रीय क्या है। जबरदस्ती चूंकि आप समाजशास्त्री हैं इसलिए आप लिख रहे हैं समाजशास्त्रीय विश्लेषण, हम भूगोल इसलिए हम लिख रहे हैं भूगोल भौगोलिक विश्लेषण, परंतु ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने स्पेशियल एनालिसिस ली की है इसलिए हम इसलिए ये जो लिखने में केवल आपका विषय इसलिए लिख दे कि भौगोलिक विश्लेषण समाजशास्त्र, इससे बचे। तीसरी जो बीमारी जो मैं ज्यादातर थीसिस में देखता हूं कि लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि हाइपोथेसिस लिखना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जयपुर से आने वाली तो हर थीसिस में एक हाइपोथेसिस होती है जिसकी कभी टेस्ट ही नहीं होती। अगर हाइपोथेसिस हो तो टेस्ट होनी चाहिए। हाइपोथेसिस जरूर बनाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटीज की जो गाइडलाइन आई थी उसमें लिखा था कि उसमें एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए। उसमें ऑब्लिक रिसर्च क्वेश्चन है जो ICSR का आप बेसिक जो मैंडेट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा हाइपोथेसिस ऑब्लिक रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो मोड ऑफ रिसर्च है वो एक्सप्लोरेटिव है या एक्सप्लेनेटरी है, इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। ज्यादातर भूगोलों में जितनी रिसर्च हो रही है या होती है, मैंने तो 95% से ऊपर की रिसर्च एक्सप्लोरेटिव रिसर्च होती है या इंडक्टिव होती है। इसमें हम पहले कुछ दिमाग में हमारे सवाल होते हैं, उन सवालों के आधार पर हम फील्ड से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष बनाते हैं, और उन निष्कर्षों के आधार पर आगे चलकर फिर कुछ हाइपोथेसिस बनेंगी। अगर आपका इंडक्टिव रिसर्च है तो हाइपोथेसिस नहीं होंगी, वहां पर रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। जबरदस्ती हाइपोथेसिस लिख के और फिर बाद में आप जब पूरी थीसिस पढ़ते हैं तो पता पड़ा इसकी कहीं टेस्टिंग ही नहीं हुई। भाई मॉडल ही आपका डिडक्टिव नहीं है। आपका मॉडल अगर इंडक्टिव है तो वहां पर हाइपोथेसिस नहीं होंगी, वहां पर रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपका डिडक्टिव मॉडल है तब पहले हाइपोथेसिस होगी, फिर उनके हिसाब से डेटा कलेक्ट होगा और उसके हिसाब से फिर रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए ये मत मान के चलिए कि हर थीसिस में हाइपोथेसिस होना जरूरी है। ये जाने कहाँ से दिमाग में आ गया है कि हाइपोथेसिस अगर नहीं होगी तो कोई रिसर्च नहीं होगी। अगर इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव चीज है, तो फिर उसके अंदर आप हाइपोथेसिस ना लिखते हुए उनके अंदर रिसर्च क्वेश्चंस लेंगे। उन रिसर्च क्वेश्चंस के इसके ऊपर बेस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव, उन्हीं रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर बेस होंगे। वैसे ही जो है दूसरी चीज जो मुझे परेशानी होती है हमेशा, वो यह है कि कोई इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं देते लोग। जैसे कई ऐसे विषय हैं जैसे एम्पावरमेंट है, एट्रोसिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इनोवेशन है, अगर इनके ऊपर आप काम कर रहे हैं तो इनको 50 लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको लोगों ने कैसे कैसे बनाए हैं इनकी डिस्कस करें,
और उसके बाद बताएं कि हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, और उसके बेसिस के ऊपर फिर वेरिएबल्स बताएं, फिर वेरिएबल्स के बेसिस के ऊपर आपकी एनालिसिस होगी। ये चेन जो है हमेशा ज्यादातर मिसिंग रहती है, जिसकी मुझे थीसिस में बहुत परेशानी होती है। दूसरी परेशानी वहां जाके होती है कि टेबल्स का इंटरप्रिटेशन, टेबल बनाते हैं और फिर नीचे लिखते हैं यहाँ इतने से इतने प्रतिशत तक इतने हैं, इतने से इतने प्रतिशत इतने ही हैं, तो ये तो टेबल में ही दिखा हुआ है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? यानी आपने टेबल को वैसा का वैसा ही नीचे वर्ड्स में उतार दिया, फिर वैसा ही के वैसा फिर उसके डायग्राम बना दिए। इट इज ऑल रिपीटिशन। टेबल्स का इंटरप्रिटेशन लिखने को लिखा जाता है, आपको टेबल जैसा का वैसा है वो बताने के लिए नहीं किया जाता। मुझे याद है कि मेरे स्टूडेंट को तो कई बार मैं खुद जाके उनको इंटरप्रिटेशन लिखवाया है कि टेबल को वैसा का वैसा मत कीजिए, उसका इंटरप्रिटेशन लिखिए। वैसे ही जो कंक्लूजन एंड समरी में बहुत कंफ्यूजन होता है, समरी इज डिफरेंट, कंक्लूजन इज डिफरेंट। कंक्लूजन विल बी बेस्ड ओनली ऑन योर रिसर्च क्वेश्चन, जो आपने रिसर्च क्वेश्चन उठाए हैं उनके क्या फाइंडिंग्स हुए वो आपके कंक्लूजन होंगे। समरी अलग होता है, कंक्लूजन अलग होता है, इन दोनों के बीच का लिंक जो है पहले से आप केवल समरीज लिखना शुरू कर देते हैं, कंक्लूजन में आपके रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स आपके आना बहुत जरूरी है, जो नहीं आते। उसी प्रकार से जब रिकमेंडेशन लिखते हैं तो रिकमेंडेशन हैव टू बी बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स, आपकी फाइंडिंग्स पर होने चाहिए। लोग रिकमेंडेशन में लिख रहे हैं कि सिंचाई के साधनों में वृद्धि करनी चाहिए, है ना, कारखाने खोले जाने चाहिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं हुए भाई। रिकमेंडेशन वो हो जो आपकी स्टडी से इमर्ज होके आए हैं। ये 6-7 चीजें मैंने आपको इसलिए डिस्कस की कि ये वो परेशानियां जो मुझे बहुत सारी थीसिस में होती हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में नहीं है भाई, अगर इंडक्टिव अप्रोच है तो भाई ओरिजिनल टॉपिक ऑन एम्पिरिकल रिसर्च। होता क्या है कि सोशल साइंसेज में अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग होते हैं, हिस्ट्री के होते हैं, फिलोसफी के होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं, और उसमें वी हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट पाथ्स ऑफ रिसर्च। एक रास्ता हर जगह फिट नहीं होता है और हर सिचुएशन में फिट नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जैसे एक होती है पाथ ऑफ रिसर्च जिसे भी कॉल इज कंसेप्चुअल और एनालिटिकल रिसर्च। इस कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल रिसर्च ये बहुत पॉपुलर मेथडोलॉजी है विच इज यूज्ड इन फिलोसफी, जहां पर तर्क करके तर्कों के आधार पर जैसे ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, ये पहले शास्त्र हुआ करते थे, ये भी बहुत पावरफुल तरीका है। उसमें तर्कों के आधार पर किया जाता था, उसमें हम फील्ड में जाके जिसको हम एम्पिरिकल देखने की कोशिश नहीं करते। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑन कंटेंट एनालिसिस, जैसे हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इनमें वी गो फॉर विद द कंटेंट एंड देन वी एनालाइज द कंटेंट। कई बार कई रिसर्चेस केवल कंटेंट के बेसिस पे भी किया जा सकता है, जिसमें रिव्यू के आधार पर होता है। जैसे फर्ज कीजिए कि हमने ये कहा कि इंदौर शहर में पिछले 20 सालों में जो ये जो अपराध हो रहे हैं उनमें होने वाले परिवर्तन, एंड इफ वी गो टेक एन ऐसा मॉडल लेते हैं कि विल गो बाय ए कंटेंट एनालिसिस, हमने कहा इतने सालों के जो अखबार हैं उनको पढ़ के हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि अपराधों में किस प्रकार से बदलाव हुए। एक जमाने में घड़ी खुलवा लेते थे, है ना, अब आजकल साइबर अपराध होने लग गए हैं, पहले क्या अपराधों में पर ये हमने क्या किया, हमने मॉडल अपनाया कि नहीं हम कोई रिसर्च वैसे नहीं करेंगे, वी विल गो बाय द कंटेंट एनालिसिस, न्यूज़पेपर के एनालाइज कर। तो ये नहीं मानना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड अच्छा होता है और कोई दूसरा खराब होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द थिंग। तीसरा एक जो जिसको हम एम्पिरिकल मेथड कहते हैं, जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, कई प्रकार की चीजें एम्पिरिकल में होती हैं, पर इसके अंदर दो चीजें ध्यान रखने की कोशिश की है, करना चाहिए आपने। वन इज कंसेप्ट एंड सेकेंड इज परसेप्ट।
यानी कोई भी एम्पिरिकल रिसर्च आप कहीं जाते हैं फील्ड में जाते हैं वी यू कैन नॉट गो विदाउट ए कंसेप्ट, और कंसेप्ट अगर है तो आपको उसका परसेप्ट भी होना जरूरी है कि फील्ड में जो हम सोच रहे हैं वो फील्ड में वैसा है या नहीं। कांट ने एक जगह कहा है कि कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट आर एम्प्टी एंड परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट आर ब्लाइंड। आपको ये मालूम होगा भूगोल के अंदर ऐसे कई कंसेप्ट थे जो बाद में परसेप्ट में जब देखने में गए हम तो पता पड़ा कि वो कंसेप्ट गलत थे। रोमन एंड ग्रीक के समय में एक कंसेप्ट था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जाएंगे बड़ी गर्मी पड़ेगी, हम काले पड़ जाएंगे और जल जाएगी स्किन, और इसी डर के मारे लोग अफ्रीका के जाने में बहुत कई बरसों लग गए। अफ्रीका इज कॉल्ड एज द डार्क कॉन्टिनेंट। लोगों ने वहां के लोगों को देखा काले काले दिखे तो उन्होंने कहा ये तो जल गए। वहीं पर कनेरी करंट जब दिखी जिसमें से नीचे से पानी निकलता है तो लगा अरे ये तो पानी उबल रहा है, जो नाविक थे भाग गए। पर क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में बहुत बड़ा हावी था कि जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाएंगे तो वहां पर हम जल जाएंगे। बाद में जब अफ्रीका गए और देखा तो पता पड़ा ये तो ऐसा कुछ कुछ नहीं है, यहाँ भी कोई जला नहीं है, कुछ नहीं, गर्मी भी पड़ती है और थोड़ी ठंडक भी रहती है। तो ये क्या है कि कंसेप्ट एंड परसेप्ट हैव टू बी बोथ कॉम्प्लीमेंट्री। बिना कंसेप्ट के परसेप्ट नहीं होना चाहिए, और बिना केवल परसेप्ट के अगर आपके पास कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे फर्ज कीजिए कि आपने एक दिमाग में एक गलत कंसेप्ट बना, एक कंसेप्ट अगर आपका गलत है, आपने कहा कि साहब मूछ वाले जो है वो बिना मूछ वालों के तुलना में ज्यादा बहादुर होते हैं, और इसके लिए कुछ आंकड़े इकट्ठे कर लाए, 150 मूछ वाले लीजिए, 150 बिना मूछ वाले लिए, कुछ ग्राफ वाफ बनाए सेटिंग की और कुछ तो भी निकाल दिया, तो ये पूछा ये जाएगा कि आपका कंसेप्ट ही गलत है कि मूछ का बहादुरी से क्या लेना देना। सो इफ योर बेसिक कंसेप्ट इज रनस और आपने जाके फील्ड वर्क कर लाए और कुछ आंकड़े उल्टे सीधे ले आए तो वो भी गलत है। इसलिए आपको अगर फील्ड में एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से डेटा ले रहे हैं या हम कहीं से पढ़ रहे हैं, तो हमको हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए हर रिसर्च में यू हैव टू वेरी स्पेसिफिकली गिव योर कंसेप्ट कि हमारे इसके पीछे से जो मैं बात कर रहा था, आपने कहा कि इनोवेशन, तो इनोवेटिवनेस हमने कहा तो इनोवेशन का कंसेप्ट क्या है और हम इस इनोवेशन को किस प्रकार से नापेंगे। ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं है और आप फील्ड में चले गए तो आपका सबका सब जो बेस जो है वो कहीं भी जाके उसको कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा और रखा रहेगा। इसलिए हाँ सर गुस्ताखी चाहूंगा, पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा कह रहे हैं कि सर हमें हिंदी में पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सर दोनों को लेके चलना। ओके, नाउ वी प्लेस सेकंड पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, वेयर वी प्लेस एम्पिरिकल रिसर्च इन द रिसर्च फ्रेमवर्क ऑफ सोशल साइंसेस। कितने प्रकार के हम एम्पिरिकल तरीके से हम चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन इज द एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग स्टेटस पैटर्न्स सिस्टम्स प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप्स, ये अलग अलग चीजें हैं फॉर विच वी आर अडॉप्ट एन एम्पिरिकल मॉडल। जैसे स्टेटस, स्टेटस रिपोर्ट्स जिनको कहते हैं, स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडियन वीमेन, स्टेटस ऑफ नॉलेज इन द चिल्ड्रन ऑफ फिफ्थ क्लास, दिस इज कॉल्ड एज स्टेटस रिपोर्ट्स, दिस इज नो रिसर्च, दे आर कॉल्ड एज रिसर्च, दे आर नॉट कॉल्ड एज रिसर्च, दे कैन ओनली बी कॉल्ड एज स्टेटस रिपोर्ट्स। ऐसी भी रिसर्च बहुत सारी होती है जिनमें हमको स्टेटस देना होता है, पर इसमें कोई रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता है। रिसर्च क्वेश्चन जब हो जाता है देन इट बिकम्स ए रिसर्च। तो देयर आर स्टेटस में हम काम करते हैं, देन वी एनालाइज पैटर्न्स, जैसे क्रॉप पैटर्न्स हैं, एनालिसिस ऑफ द लैंड यूज पैटर्न्स हैं, इन दिस वी यूज ए एम्पिरिकल मेथड्स टू सी। थर्ड इज वी कम टू द सिस्टम्स एनालिसिस, से फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू एनालाइज द पीडीएस सिस्टम, एफिकेसी ऑफ पीडीएस सिस्टम इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। सो इट इज ए सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस में मतलब यू हैव टू एनालाइज द एंटायर सिस्टम, जहां से शुरू होता है कंसेप्ट के हिसाब से होता है, रूल्स बनते हैं, देन द एजेंसी विच आर इन्वॉल्व इन इट,
and the beneficiary which is getting it. The whole thing is analyzed in the empirical method, but it is called as systems analysis. This is also a empirical method nahi aayega, parantu ye approach jo hogi that will be of a systems analysis. Isi prakar processes hoti hai. We analyze certain processes, how the things operate, process kya hoti hai, usme bhi hum karte hain. Then we go for relationships, causal analysis. Say for example, हम लोग एक इसका फ्रांस का एक एनजीओ आया था, उनको ये कॉज निकालना था कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर व्हाई इन्फेंट मॉर्टिलिटी सो हाई, उनको मालूम नहीं था. तो ये जो ये मॉडल क्या कहलाएगा, कॉजल एनालिसिस. इसमें हाइपोथेसिस नहीं होगी. दे हैड अ रिसर्च पर्सन. व्हाट वाज द रिसर्च पर्सन इज व्हाई द mortality rate in children is highest in Burhanpur district. So you are analyzing the causes. So you take a number, the list of causes, probable causes, then see for them in the field what cause is there, and then you analyze them. You don't put an hypothesis. Hypothesis put after we have analyzed the causes, then we put the hypothesis and can test this thing in some other places. So causal analysis also is done in the empirical research. Then very major topics when comes for the evaluation of the efficacy of policies and program, which we do in many of the research projects. Say for example, aapne kaha ki efficacy of hospitals to control the COVID situation in Madhya Pradesh. So efficacy means how far it has been effective. PDS system, or we can call it as a how far the village panchayat system has been effective in undertaking the solving the problems of the poor in Madhya Pradesh. So in this type of research, what is the chain of logic? What we must understand the chain of logic. सबसे पहले तो ये चीज आनी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है जिसकी हम एनालाइज किया है, इसको गवर्नमेंट ने प्रोग्राम क्यों किया, इसके क्या उद्देश्य थे, what were the aim for keeping this program. Number two, your objective will have to be what is the ground situation. Number three will come in the sequence, what are the gaps, why the programs is not being effective in some areas and why the program is being effective in some certain other area. Then you will have to come for causes, what are the causes of bad implementation, and then will come what should be the recommendations to improve the effectiveness. This is also a what we call as empirical research. Testing of hypothesis, इसमें भी हम एम्पिरिकल रिसर्च भी यूज करते हैं. वी गो टू द फील्ड, देन बिल्डिंग थ्योरीज, मॉडिफाइंग देम, मॉडिफाइंग द ओल्ड थ्योरीज बेस्ड ऑन फ्रेश फाइंडिंग्स. तो ये सारी चीजें जो हैं एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर, वी हैव टू अंडरटेक सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो हैं, जो एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर ये सारे प्रकार के मॉडल्स आते हैं, और ये सारे मॉडल्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशंस में ये मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं. संतोष शुक्ला जी भी दिख रहे हैं, नमस्कार जी. अब सबसे पहले कहते हैं कि हाउ अनुभविक रिसर्च इज डिफरेंट देन फ्रॉम द लैब कंट्रोल रिसर्च. कैसे फर्क है, व्हाई इज द चैलेंज, व्हाट वी कॉल इज एज ए चैलेंज. देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये बात करना चाहेंगे कि हम मैथोलॉजी सोशल साइंस में इतना जोर देते ही क्यों है. व्हाई मैथोलॉजी इज नॉट taught in physics, research methodology, chemistry. इनमें मैं experiment बताते हैं पर research methodology तो नहीं बताते. क्यों? Why we are giving so much importance to the research methodology in social science? इसमें दो चीजें होती हैं. एक होता है observer और एक होता है observed. एक observe कर रहा है, एक observe हो रहा है. Physical sciences में क्या होता है कि observer is different, observed is different. जैसे पानी उबल रहा है, इतने डिग्री पर यहाँ उबलेंगे, मैं उबालूं, शर्मा जी उठा रहे, रेणु पूनिया उबालें, पानी उतने ही डिग्री सेंटीग्रेड पर
उबलेगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो डिफरेंट है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड जो है वो अलग है। सोशल साइंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑब्जर्वर भी मैं हूँ और ऑब्जर्व्ड भी मैं हूँ। यानी अगर दलित सिचुएशन के ऊपर मैं काम करने जाऊंगा, संतोष जी जाएंगे और तीसरा कोई और जाएगा, जरूरी नहीं है कि सबके रिजल्ट एक से आए, क्योंकि इसमें बायस रहता है। हमारा सोचने का तरीका, हमारे बायसेस दूसरे के बायसेस से डिफरेंट रहते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम जो कहते हैं वैल्यू फ्री रिसर्च होनी चाहिए, वैल्यू फ्री रिसर्च होती नहीं है। सोशल साइंस में कितना भी चिल्लाएं हम कि वैल्यू फ्री रिसर्च होगी, वैल्यू फ्री होती नहीं है। हमारा केवल उद्देश्य होता है कि हम अपने बायसेस को कम से कम हमारी रिसर्च में आने दें। और इसीलिए हम मेथड्स के ऊपर जोर देते हैं कि जैसे साइंटिफिक मेथड अपनाएं, और जिससे कि हमारा जो इंटरवेंशन है या हमारा जो सोच है या हमारे जो बायसेस हैं वो हमारी रिसर्च में कम से कम आए। इसलिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को इतने रिगरसली पढ़ाते हैं और कहते हैं कि इसका उपयोग करो। अब व्हाट आर द चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पीपल, हमारा जो कंसर्न है वो लिविंग पीपल है, और इसीलिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो पीपल जो हैं वो आर डिफरेंट। जिन पीपल के साथ हम बातचीत कर रहे हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। इसीलिए हमारे कई बार स्टूडेंट्स आते थे और एक सवाल पूछते थे, क्या आप पौष्टिक भोजन लेते हैं? अब पौष्टिक शब्द बड़ा विचित्र है किसी के लिए। कोई जैसे होम साइंस की मैडम आएंगी, वो कहेंगे ये दलिया और ये जो आपका सलाद है ये बड़ा पौष्टिक है, और ये जो गाजर या आप हलवा लाए हैं, गाजर का हलवा या कोई भी सूखी नहीं होता। और रेफरेंस जो है जिस आदमी के लिए हम पूछ रहे हैं उसका दिमाग की सोच अलग है, उसके लिए पौष्टिक अलग है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब जो होते हैं। तो ये फील्ड में जब जाते हैं तो इन चीजों का जो अगर ध्यान नहीं रखेंगे कि उनका कल्चर क्या है, लोग अलग अलग हैं, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे नारायण सेवा वालों ने इंदौर के अंदर चलाते थे तो उनको तो वो सब पूड़ी और सब्जी बढ़िया खिलाते थे, लोग बड़े प्रसन्न होते थे। वही नारायण सेवा वालों ने रायपुर चले गए, बिलास जगदलपुर चले गए और वहां पूड़ी सब्जी दिया तो बच्चों ने फेंक दी, उनको आदत ही नहीं पूड़ी सब्जी खाने की, उनको तो दाल चावल खाने की आदत है। तो अब इस कल्चर में अब वहां जाके पूछेंगे कौन सा खाना अच्छा है, तो वो अपने खाने को अच्छा, आपके लिए वो खाना अच्छा नहीं होगा, दूसरे के लिए वही खाना। जब हम शेड्यूल डिजाइन करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये हर पीपल के साथ डिफरेंट होता है। और वही पीपल दूसरे पीपल में वही सवाल आप पूछेंगे, यू विल गेट ए डिफरेंट आंसर। दिस इज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज विच वी फेल। देन प्लेसेस आर डिफरेंट, द सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन वन प्लेस विल नॉट बी रिलेवेंट इन द अदर प्लेस। जैसे हमारे यहाँ जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम सेमिनार्स में गए थे और केरल में उन्होंने ये जो हाउसेस के ऊपर हो रहा था कि बहुत सस्ते मकान और बहुत एफिशिएंट हाउसेस जो है वो कैसे होते हैं, उन्होंने ऐसे लोहे के बार्स लगाए थे उनके बीच बीच में कबेलू बना के, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आदर्श मकान है, बहुत कम में बन जाता है। बिहार वालों ने कहा कि साहब हमारे तो एक लात मारेंगे, तोड़ देंगे, सब छुरा के हमारे घर से ले जाएंगे। तो जो मकान वहां के लिए अच्छा था वो मकान बिहार में नहीं चलेगा। अगर बिहार में आज आपके पास अगर जमीन है और आप अकेले भाई हैं और आपके एक बहन है एक, तो आप जमीन को जोत नहीं पाएंगे, आपके साथ लठ लेके आपका भाई अगर दो एक नहीं खड़े होंगे तो आप नहीं कर सकते। सो जब हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, द सेम क्वेश्चन इज डिफरेंटली पोस्ट इन डिफरेंट एरियाज, क्योंकि वो वहां पर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। प्लेसेस आर डिफरेंट, तो उसमें जैसे मुझे याद है कि हमारे महू में एक कर्नल साहब के पास एक पपी था, उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे नागालैंड के दोस्त को वो दे दिया
और वो ट्रांसफर हो गया तो वो चले गए। उन्होंने 2 महीने बाद उसको पूछा कि हाउ इज द पपी, तो उनको जवाब मिला इट वॉज वेरी टेस्टी, खा गए उसको। और नाउ प्लेस इज डिफरेंट, नागालैंड में उनका कंसेप्ट अलग है, यहाँ पर इनका कंसेप्ट अलग है। तो वही सवाल होता है और वही दूसरी जगह दूसरा जवाब मिलता है, उनके लिए अच्छा नहीं होता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, यू हैव टू सी द प्लेस, कहाँ के लिए आप कौन सी बात कर रहे हैं, वो उनके लिए रेलेवेंट है या नहीं है। तीसरा होता है कंटेक्स्ट आर डिफरेंट, वही चीज एक किसी कंटेक्स्ट में, जैसे डिस्टेंस ही लेके चलते हैं, डिस्टेंस डिके मैकेनिज्म हम ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं और ये सब वैल्यू लगाते हैं, इसमें ई में उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आप अपने पड़ोसी से बात करें ईमेल में, चाहे नॉर्वे वाले से बात करें, डिस्टेंस इज मटेरियल देयर, तो अब वो कंटेक्स्ट चेंज हो गया। अर्बन एंड रूरल कंटेक्स्ट, अर्बन में जो कंटेक्स्ट होता है वो रूरल में नहीं होता है, रूरल में जो कंटेक्स्ट होता है वो अर्बन में नहीं होता है, वीमेन में जो कंटेक्स्ट होता है वो मेल में नहीं होता है, मेल में जो कंटेक्स्ट होता है वो उसमें नहीं होता है। जैसे मुझे याद है कि जब ये विदेशों से बहुत से लोग आए थे और इस पे एट्रोसिटी पे काम कर रहे थे कि बच्चों पे एट्रोसिटी होती है, अब वो उनके दिमाग में अपना इंग्लैंड या कनाडा का दिमाग में है, तो उन्होंने तो बता दिया अब सारे बच्चों के ऊपर एट्रोसिटी होती है, क्योंकि अपने यहाँ तो कहते थे ना कि अगर छड़ी ना मारो तो क्या बच्चे को पढ़ाया। और ये कंटेक्स्ट में क्या होता है, हमको याद है कि जब औरतों से पूछा गया था ये उसमें क्या क्या आपके ऊपर पति अत्याचार करते हैं, तो नहीं करते हैं, तो बोले कभी आपको चपत लगा दी, बोले वो तो पति हैं, वो तो कभी चपत तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो चपत लगाना अत्याचार है ही नहीं। तो किसको आप अत्याचार बोल रहे हैं, किसको अत्याचार नहीं बोल रहे हैं। तो कनाडा के जो लोग रिसर्च टीम आई थी उन्होंने तो निष्कर्ष निकाल दिया कि सारे बच्चों पे क्योंकि कनाडा के अंदर तो कोई बच्चे को चपत भी नहीं मारता, कोई उसको कान भी नहीं पकड़ता, यहाँ तो गांव में तो कान भी पकड़ाएंगे, बल्कि माता पिता आके कहेंगे क्या क्या आप तो उसको कुछ मारते हैं, कि उसको ठीक रखो जरा, उसके कान वान खींचो तब उसको अकल आएगी। तो ये कंटेक्स्ट डिफरेंट हो जाते हैं। ये कई सालों तक चलता रहा कि काम का कंटेक्स्ट जो था लोग सर इसमें पॉपुलेशन के ऊपर, ये तो अपने शुक्ला जी एक्सपर्ट हैं, पहले जो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर पहले बड़ी बहस चली, गांव में बोलते थे क्या आप कोई गेनफुल काम करते हो, कमाई का काम करते हो, तो महिलाओं का उत्तर आता था कि नहीं करते, क्योंकि बोले फिर आप गाय का दूध निकालते हो, हाँ निकालते हैं, आप खेत में बीज डालते हो, हाँ डालते हैं, निराई में आप सहयोग करते हो, हाँ करते हैं, आप कोई कमाई का काम करते हो, नहीं करते, क्योंकि उसको वो कमाई का काम नहीं मानते थे। बाद में फिर डेफिनेशन चेंज हुई और फिर लोगों को बहुत सारा मोटिवेट किया गया, तब पता पड़ा कि वर्किंग वीमेन ये सारा काम कर रही है पर वो अपने काम को काम मानने को तैयार नहीं है, उनके कल्चर में नहीं है। तो दिस इज ए ग्रेट चैलेंज, क्योंकि कंटेक्स्ट जो है डिफरेंट हो जाते हैं, सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। सिचुएशन कैसे डिफरेंट हो जाती है, जैसे सेंसिसाइज जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस समय अगर किसी ने सर्वे किया होता और आज सर्वे करेगा बात बदल जाएगी। मोदी जी का जादू कहीं चल गया दूसरी जगह नहीं चलेगा, कंटेक्स्ट बदल गया, सिचुएशन बदल गई, तो वही चीज के आंसर आपको दूसरे मिलेंगे। और वो सिचुएशन अगर पहले की थी में पूछेंगे तो उसका आंसर आपको, अब आपको इसीलिए इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है एम्पिरिकल रिसर्च में। टाइम फ्रेम इज डिफरेंट, जैसे मैंने बताया कि हमारे समय में जिसको हम रिसर्च जो करते थे वो आज का समय में बिल्कुल अलग हो गया। यानी वही सवाल उस जमाने में अगर हम पूछते, जैसे कि आप आज के तारीख में बहुत से लोग बहुत से वर्ड्स बड़े कॉमन है कि सेक्सी वर्ड है या ये ऐसे बहुत कॉमनली बातचीत में यूज कर रहे हैं, हमारे समय में करते तो चप्पल ही पड़ती सीधी, क्योंकि टाइम फ्रेम बदल गया। आज के समय में जो जैसे हमारे पोती वगैरह बैठती है और हमने पुरानी फिल्में जब देखते हैं तो ये लग कहती है मोटी है, क्योंकि आजकल जो है कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी चेंज हो गया, आजकल बड़ी दुबली पतली होने लगे। अगर हमारे समय में तो ऐसी दुबली पतली हो तो हमारे पिताजी तो गए तो मर जाएगी, इसको कि कोई काम करने के लायक नहीं, अच्छी तगड़ी हृष्ट पुष्ट होनी चाहिए। और आपको याद हो कि एक जमाने में जब च्यवनप्राश का एडवर्टाइजमेंट शुरुआत में आया था तो उसमें वो कहती थी हम हृष्ट पुष्ट हैं, बाद में जब समय बदला तो एडवर्टाइजर को लगा कि यार हृष्ट पुष्ट कहेंगे तो कोई च्यवनप्राश खाएगा ही नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट निकल गया, क्योंकि टाइम चेंज हो गया।
हृष्टपुष्ट होना महिला के लिए किसी जमाने में अच्छा मानते थे, पर आज के समय में हृष्टपुष्ट किसी महिला को कह दो तो वो बुरा मानते हैं, बिकॉज द टाइम हैज चेंज। तो एम्पिरिकल रिसर्च अपने आप में ये सारी चीजें जो हैं ये देखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चले हम, व्हाट आर द कंसर्न्स एंड चैलेंज ऑफ रिसर्च एम्पिरिकल रिसर्च में। पहला तो चैलेंज क्या होता है, जैसे आप कई फिजिकल इसमें, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूटर कितना किलोमीटर एवरेज देता है, तो उसके नीचे सब्जी में लिखा रहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। व्हाट आर दर अदर थिंग्स, कि बोले आप दो ही लोग बैठेंगे, मोटे लोग नहीं बैठेंगे, आप फोर्थ गियर में चलाएंगे, स्पीड 40 और 50 के बीच में रहेगी, पेट्रोल अच्छा रहेगा, अगर ये कंडीशंस हैं तब आपका स्कूटर जो है एक लीटर में 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर एवरेज देगा। सोशल साइंस के साथ प्रॉब्लम है कि नथिंग रिमेन्स द सेम, बिल्कुल उल्टा है। साइंस में जो होता है कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, एक्स विल रिजल्ट इनटू वाई, सोशल साइंस में अदर थिंग नथिंग रिमेन्स द सेम। वही रिसर्च आज करेंगे अलग निकलेंगे रिजल्ट, 10 साल बाद करेंगे उसके रिजल्ट अलग निकलेंगे, वही रिसर्च हम यूपी में करेंगे रिजल्ट हो सकते हैं अलग निकले, वही रिजल्ट हम अगर राजस्थान में करेंगे वी विल गेट सम डिफरेंट रिजल्ट्स। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ कुछ भी रिमेन्स द सेम है ही नहीं, देर इज नो लॉ, हर समय हर सिचुएशन बदलती है, एंड एवरी टाइम वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटेजी आवर मोड ऑफ रिसर्च। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम बहुत रिजिड माइंड से किसी चीज को करने जाएंगे तो सोशल रिसर्च नहीं होती, और इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाउ वी कैन मेक द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड चेंज आवर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। Then whether experiments conducted in social sciences are similar to lab controlled or natural sciences, नहीं होते। Lab में तो आप control कर सकते हैं, social science में यदि भी आप education में इनमें control होते हैं, एक control group होता है और एक experimental group होता है ना, जैसे आपका medical sciences में करते हैं ना, जैसे corona की कुछ को दवा देंगे और कुछ को केवल शकर खिलाएंगे और उनको कहेंगे दवा दी है, वन इज कंट्रोल ग्रुप वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यहाँ तो कंट्रोल होता है, पर आप ये कह दें कि हमने एक कॉन्वेंट की लड़कियों और गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी गई लड़कियों में अंदर क्या फर्क होता है, अगर हमने इसका एक्सपेरिमेंट करने गए, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया आपका ये कॉन्वेंट के लड़कियों का, एक बनाया हमने गवर्नमेंट स्कूल के लड़कियों का, और उनको एक टाइप की टीचिंग दी और फिर एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इनमें कोई फर्क आया क्या, पर ये इतना कंट्रोल रहेगा नहीं। जैसा कि पहले वाला केस मैंने मेडिसिन वाला बताया था, उसमें जितना कंट्रोल रहेगा उतना यहाँ कंट्रोल नहीं रहते। अगर सो मेनी फैक्टर्स कि लड़कियाँ किस ग्रुप से आ रही हैं, उनके माता पिता का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें इंटरफियर करेंगी, और इसीलिए सोशल साइंस में या एजुकेशन वगैरह में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, परंतु वो एक्सपेरिमेंट भी उतने रिजिड नहीं हो पाते जितने कि सोशल इसमें नेचुरल साइंसेज में होते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट भी करो और उसको कंट्रोल रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसलिए उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखनी चाहिए। देन वेदन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज डायरेक्ट वेग और कंडीशनल और सिचुएशन। ये बहुत सी बात कहना चाहूंगा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अपने यहाँ बहुत ज्यादा, दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट, ऐसा नहीं होता सोशल साइंस। सोशल साइंस में देर में भी है कॉज, देर में भी इफेक्ट, देर में नॉट बी एन इफेक्ट, देर में नॉट बी एनी कॉज, देर में भी एन इफेक्ट, ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। जैसे कई बार जो कहते हैं ना कि पैसा से समृद्धि आती है, जरूरी नहीं है। हरियाणा वगैरह में खूब पैसा आया और सब शराब और इसमें ड्रग्स में चला गया। दूध पैदा होना से न्यूट्रिशन बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। दूध पैदा हुआ पर वो डेयरी वाले ले गए, घर में बच्चों को एक ग्राम भी नहीं मिला, तो उससे न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों ने जैसे पहले ज्योग्राफी में किया था, सोयाबीन और क्रॉप को मल्टीप्लाइड बाई कैलोरीज एंड मल्टीप्लाइड बाई प्रोटीन डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, ये सब बकवास है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि
हु कंट्रोल द थिंग, बल्कि उल्टा हो गया। गांव में हम लोगों ने जब सर्वे किया था तब जब ज्वार और ये सब पैदा होती थी तब न्यूट्रिशन का लेवल बेटर था, सोयाबीन होने लगी। तो होता क्या है कि जब ये क्रॉप आई, कैश क्रॉप्स आई, तो उनमें सबसे बड़ी चीज होती है वो कम, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो सोयाबीन कौन कंट्रोल करता है? पति करता है। पति क्या करे, उसको जाके बेचेंगे बाजार से, वो कन्वर्ट हुआ प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो गया? मनी में। मनी के ऊपर किसका कंट्रोल आया? पति का। और पति ने क्या किया, दारू भी मोटरसाइकिल लेके आया, बच्चों का न्यूट्रिशन क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो प्रोटीन बढ़ा पर न्यूट्रिशन बढ़ना कोई जरूरी नहीं है। देयर मे बी अ कॉज, देयर मे नॉट बी एन इफेक्ट। प्रोटीन बढ़ जाने से क्रॉप में के कारण लोगों का प्रोटीन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार चीजें को एग्जिस्ट करती हैं पर वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में नहीं होती है। जैसे जंगल भी है, उसमें शेर भी है, उसमें मच्छर भी है, पर क्या मच्छर और शेर का कोरिलेशन निकला लेंगे क्या? द थिंग्स कोरिलेट, दे डोंट कोरिलेट, दे को एग्जिस्ट। तो सोसाइटी में कई चीजें को एग्जिस्ट करती हैं, उनको जबरदस्ती हम ये मान लें कि ये कोरिलेट कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो व्हाट थिंग्स आर को एग्जिस्टिंग एंड व्हाट थिंग्स आर कोरिलेटिंग, इसका फर्क समझ में आना बहुत जरूरी होता है। और ये नहीं आता तो आप जो एम्पिरिकल में जब करने जाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं या फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं। जैसे कॉज एंड इफेक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ, देखिए आपको अच्छा लगेगा। एक बार हमको मध्य प्रदेश का जो तेंदू ये पट्टा वितरण हुआ था इनके कांग्रेस रेजिम में, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को जो सरकारी जमीन के पट्टे दिए गए थे, ये समझ के कि पट्टा वितरण हो जाने से और इनकी खुशहाली आएगी। हमारे दिमाग में ये नोशन था कि पट्टा अगर मिल गया और अच्छा उपजाऊ है तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। मुरैना के एक गांव में गए, ठहरे हुए सवाल पूछे। देखिए मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि कॉज है और इफेक्ट होना जरूरी नहीं है सोशल साइंस में। उससे पूछा, आपको पट्टा मिला? बोले हाँ साहब मिला। पट्टे पे कब्जा दिलवाया? हाँ बोले साहब, SDM साहब ने कब्जा दिलवाया। पट्टा जमीन कैसी थी, उपजाऊ थी? बोले हाँ साहब उपजाऊ थी। फिर चौथा सवाल पूछा, आपको इससे फायदा हुआ? बोले कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम लोग चकरा गए, मैंने कहा भैया क्या क्यों क्यों हुआ? पता ये पड़ा कि जो पत्ता मिला था उसके चारों ओर जो है वो ठाकुरों के खेत थे, और ठाकुरों ने कहा कि अगर तुम खेती करने उस पट्टे में जाओगे तो हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। तो पट्टा मिला भी, पट्टा उपजाऊ भी था, पर उसके किसी काम का नहीं था। उसको कोई जो हम सोचे थे कि पट्टा अच्छा उपजाऊ जमीन मिली है तो उसका आर्थिक विकास होगा, कुछ नहीं विकास हुआ। उसको वही पट्टा कम कीमत में किसी ठाकुर को बेचना पड़ा। ये ऐसा साइंस में नहीं होता, सोशल साइंस में ऐसा होता है। तो इनके लिए जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे ये चीजें थोड़ी पता पड़ेंगी, हमें बैठ के घर में बैठ के नहीं होते। फिर एक इसी का उल्टा उदाहरण दूसरा बताता हूँ। एक किसान के पास गए, बोले आपको पट्टा मिला? बोले हाँ साहब पट्टा मिला। पट्टे का कब्जा दिलवाया? बोले हाँ साहब कब्जा दिलवाया। और उसके बाद फिर बोले आपको जमीन कैसी थी? अरे साहब बड़ी बेकार थी, पत्थर ही पत्थर है, उसमें तो कुछ उत्पादन ही नहीं होता। तो बोले आपको फिर कोई फायदा नहीं हुआ? बोले साहब फायदा हुआ, जमीन खराब उसमें कुछ उत्पादन नहीं होता है और फायदा हुआ। फिर उसके डीप में गए कि क्या क्या हुआ फायदा, पता ये पड़ा कि वो उसका जो स्टेटस था वो था लैंडलेस लेबर। जब उसके नाम से जमीन हो गई तो वो हो गया जमीनधारी, तो उसके लड़के को लड़की मिल गई। उधर मुरैना और भिंड भिंड में लड़कियों की बड़ी कमी है, तो चूंकि उसका स्टेटस एलिवेट हो गया, स्टेटस एलिवेट हो जाने से वो लैंडलेस से जो लैंडेड हो गया, जमीन कैसी भी हो कोई नहीं, भाई साहब ये तो किसान है, इसके पास जमीन है, तो उसके लड़की उसको लड़के के लिए लड़की मिल गई। अभी ऐसी सिचुएशन आप बिना फील्ड में जाए, बिना अपना पेट्रोल खर्च किए और अपना वहां पर जाए नहीं हो सकती, हवा में बैठ के। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप जैसा हमको लगता है वैसा होता नहीं है, है ना? और इसीलिए कई बार जो हमारे जो नोशंस होते हैं बने बनाए जो दिमाग में बैठे हुए होते हैं वो फील्ड में, हमको तो याद है कि मैंने जो मेरी थीसिस में ये अपने शफी साहब ने एक सवाल किया था कि आपने कहा कि यहाँ पर दुफसली क्षेत्र इतना है
और उसके बाद भी यहाँ पर सिंचाई के कोई साधन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट, कितना भाई सिंचाई के साधन नहीं है और तो इतना तो फसली एरिया और रेनफॉल भी कम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उनको मैंने कहा था कि मैं, मुझे भी मालूम था कि ये सवाल आएगा, मैं खुद फील्ड में गया था। सेंधवा उस तरफ क्या होता है कि पहले वो मूंगफली उगाते थे उस समय, आजकल अब तो मूंगफली बहुत कम होगी, और मूंगफली जल्दी 2-3 महीने में हो जाती थी, और उस मूंगफली उगाने के बाद वो उसमें ज्वार डाल देते थे जिसको सुंडी ज्वार कहते हैं। वो ज्वार इतनी इतनी छोटी छोटी बड़ी होती थी और फिर उसको काट के जानवरों को खिलाते, तो पटवारी के रिकॉर्ड में तो डबल क्रॉप आ गया, यद्यपि कोई दूसरी क्रॉप हुई नहीं, उसमें ज्वार वार नहीं हुआ, पर पटवारी के रिकॉर्ड में वो सेकंड क्रॉप करके दर्ज हो गया। इरिगेशन नहीं है परंतु वो छोटे छोटे उसमें ज्वार निकल आई, उसको काटा, जानवरों को उन्होंने खिला दिया। अब ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई? अगर केवल हम लैंड यूज की किताब देखकर ही अगर इसको लिखते तो गलत निष्कर्ष आते कि नहीं, कि वो सेकंड क्रॉप केवल पटवारी, ऐसा ही फॉरेस्टेड एरिया जो रिकॉर्ड्स में होता है वहां फॉरेस्ट नहीं है, दैट इज फॉरेस्ट अंडर रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है पर जमीन पे फॉरेस्ट नहीं, ऐसे आपको बहुत सी सिचुएशन आएंगी, दैट इज एक्चुअली रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो फॉरेस्ट है पर वहां जाके वहां पर फॉरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें बहुत बड़े चैलेंज होते हैं कि केवल आप आंकड़े देखे कि डबल क्रॉप एरिया है और इसलिए बड़ी उपजाऊ जमीन होगी, जरूरी नहीं, वहां सिंचाई के साधन होंगे, जरूरी नहीं, कई बार इरिगेटेड एरिया होता नहीं है, मिसमैच होता है, वहां कुओं की संख्या, हमारे झाबुआ के अंदर एक गांव में हम लोगों ने सर्वे किए थे, वहां कुओं की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और इरिगेटेड एरिया बहुत कम, बिल्कुल नहीं, मैच ही नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ वेल्स आर नॉट मैचिंग विद द इरिगेटेड एरिया, तो वो खुद जाना पड़ता है। तो खुद गए तो पता पड़ा कि उस समय कोई कलेक्टर्स आए थे, एसडीओ वगैरह आए थे, उन्होंने सबको सब्सिडीज दिलवा दी और बैंक वाले सब मिल गए, उन्होंने उसमें में यह था कि अगर थोड़ा जितने 8-10 फुट तक खोदना पड़ेगा उसके बाद फिर आपको सेकंड किस्त तब मिलेगी, तो उन्होंने सेकंड किस्त लिए नहीं, 10-10 फुट अपने घर के लोगों से खुदवा लिया, बैंक वाले को उसका कमीशन मिल गया, वो जो तहसीलदार था उसके रिकॉर्ड में आ गए कि इतने कुएं खुदवाए, उनको सब्सिडी का पैसा मिल गया, और कुआं जो है उसमें पानी था ही नहीं, अब जब कुएं में पानी नहीं था तो इरिगेटेड एरिया कैसे होगा? तो ये सिचुएशन का, तो ऐसे आपको जब फील्ड में जाएंगे तो कई बार क्या होती है, बड़े डेटा बहुत सारा डिसेप्टिव होता है, बिजली के खंभे हैं, बिजली नहीं है, तो बिजली के खंभे के साथ बिजली भी देखना जरूरी है कि बिजली है और आती भी है कि नहीं, कि केवल तार लगे हैं, तो ये सारी चीजें होते हैं, दे आर ऑल मीन्स दे आर गुड चैलेंजेस फॉर द एम्पिरिकल रिसर्च। इसके बाद मैं नेक्स्ट में टॉपिक पे आऊंगा कि मेथड कौन सा ग्रुप होता है, इसमें कई सारे मेथड्स यूज होते हैं एम्पिरिकल रिसर्च में, जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये साइकोलॉजी में ज्यादा होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, देन सिमुलेशन वगैरह, कुछ जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह में भी सिमुलेशन टेक्निक्स की जाती हैं, केवल जाके देखना, देन क्वेश्चनेयर, जैसे आप बाय पोस्ट भेज देते हैं क्वेश्चनेयर को, देन टूल्स में यूज होता है शेड्यूल, शेड्यूल और क्वेश्चनेयर फर्क ये होता है कि शेड्यूल में तो आप खुद जाके भरते हैं, क्वेश्चनेयर आप भेज देते हैं बाय पोस्ट या इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर उनके जवाब आते हैं, देन ग्रुप डिस्कशंस, आप लोगों के साथ जाते हैं और ग्रुप डिस्कशन लोगों से बातचीत करते हैं और उसके आधार पर आप लिखते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी दोनों प्रकार के होते हैं, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब आप पहले से कुछ सवाल दिमाग में रहते हैं, वो उनसे पूछते हैं, उनसे आप डिस्कशन करके जवाब भी लेते हैं, और नॉन डायरेक्शनल मतलब आप केवल बातचीत करते हैं, ये वॉक एंड टॉक, और उसके आधार पर आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। केस स्टडीज होती हैं, आप कुछ पर्टिकुलर केस स्टडीज लेते हैं, उन टिपिकल केस स्टडीज को आप वहां दिखाते हैं कि सक्सेसफुल केसेस एंड अनसक्सेसफुल केसेस, ये बॉक्स इंफॉर्मेशन में आप देते हैं। देन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो देर आर वेराइटी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो कई कई अपने सोशल साइंस में बहुत होना जरूरी है,
कि कौन सा मेथड अच्छा है। कई बार ये कहेंगे ये मेथड आपने क्यों लगाया इसमें, तो ये मेथड देखिए, कोई भी मेथड अच्छा या कोई भी मेथड बुरा नहीं होता। सबसे पहले दिमाग से ये बायस निकाल दीजिए कि क्वालिटेटिव मेथड अच्छा नहीं होता, क्वांटिटेटिव अच्छा होता है। कई बार क्वालिटेटिव मेथड इज मच बेटर देन द क्वांटिटेटिव मेथड, कई बार केस स्टडीज इज मच बेटर देन ये, कई बार ग्रुप डिस्कशन यील्ड्स टू मच बेटर रिजल्ट्स। तो ये सिचुएशन देखना बहुत जरूरी है, और दिमाग में से किसी एक पर्टिकुलर मेथड की ओर अपना बायस बना लेना कि ये अच्छा मेथड है। और इसके हमारे पास कई पहले रिसर्च वाला तो कम आते हैं इस टाइप के कि सर इसमें कुछ क्वांटिटेटिव लगा दो। अरे भाई ये कुछ दाल लेके आए इसमें कुछ बघार लगा दो, ऐसा भाई क्वांटिटेटिव की वहां जरूरत है या नहीं, क्वांटिटेटिव उसमें रिलायबिलिटी है या नहीं। जबरदस्ती क्वांटिटेटिव लगा दो और कई बार क्वांटिटेटिव वो लगा देते हैं जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है ही नहीं, तो उससे रिजल्ट्स ठीक थोड़ी आएंगे। जैसे एक ने वो रिजल्ट निकाले कि शहर से दूरी और दूध का उत्पादन, अब इसमें क्या होता है कि इसमें लीनियर है ही नहीं दोनों, तो उनकी क्वालिटी क्वांटिटेटिव आप लगाएंगे उसमें लीनियर कर्व फिट करेंगे तो वो गलत रिजल्ट्स आएंगे। क्यों? कि वो एक स्क्यूड है और एक लीनियर है। अब लीनियर को आप स्क्यूड के साथ जोड़ देंगे तो यू विल गेट अराउंड फॉल्टी रिजल्ट्स। तो ऐसी कंडीशन में ये सबसे पहली चीज ध्यान रखना चाहिए कि जैसे डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच, क्या ऑब्जेक्टिव है और किसके लिए कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे एट्रोसिटीज आपके ऊपर, जैसे ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि जब हम दलितों के ऊपर एट्रोसिटी की बात करने चाहते हैं, जैसे डायरेक्ट पूछेंगे तो दलित कहेंगे हम पे एट्रोसिटीज होते हैं, और वो कहेंगे ब्राह्मण कहेंगे तो नहीं हम तो कोई एट्रोसिटी नहीं कर। तो ऐसे समय में आप ऐसे सवालों से कोई अर्थ निकलेगा? यहाँ पर अगर वहां पर किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है उसमें सबसे अच्छा मेथड है लोगों के साथ चर्चा करना, या वहां जाके ऑब्जर्व कर, मंदिर में बैठिए, मंदिर में जाके देखिए कि क्या इनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, चाय के ठेले पे बैठिए, चाय की दुकान पे बैठिए, है ना, उनके घर पे जाके पूछिए। ऐसे क्वेश्चनर लेके चले जाएंगे कि हमारे पास आप क्या अपने दलितों के साथ भेदभाव करते हैं, तो कोई जवाब देगा क्या करते हैं? नहीं देगा, है ना। तो अब ऐसे में अगर आप क्वेश्चनर लेके चले जाओगे तो आपको जवाब गलत मिलेंगे। जैसे मुझे याद है कि एक प्रोजेक्ट थी हमारे पास, एक पाटीदारों के वहां पर छोटी सी प्रोजेक्ट दी गई थी, वहां पर एक शमशान घाट के मामले को लेके कुछ दलित गए थे तो उनको वहां मना कर दिया था, उसके बाद लट चले पाटीदारों में और दलितों में। अब ये हमसे कहा गया था कि क्या कंडीशन हुई, क्यों चले, इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। अब शेड्यूल लेके चले जाते तो कोई उत्तर मिलते क्या? तो क्या किया, दलितों के उसमें गए, अलग अलग गए, उनसे बहुत बातचीत की, चर्चा की, क्या हुआ उस समय, क्या सिचुएशन थी, किन किन कंडीशन में हुआ। फिर जो सवर्ण थे पाटीदारों के वहां गए, उनका वर्षन सुना। फिर कुछ ऐसे लोग जो कि तटस्थ थे उनसे चर्चाएं की, उनसे मैं उसके आधार पर। तो ऐसी चीज में क्या आप कोई शेड्यूल बना के और उसका उत्तर लेके कुछ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। पर कई बार क्या होता है कि लोग बहुत बायस होते हैं अपने किसी एक मेथड के ऊपर कि भाई शेड्यूल बनाना जरूरी है, चर्चा करके हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से कौन सा मेथड यूज करना, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। दूसरी चीज होती है जैसे कास्ट वार है, एट्रोसिटी है, इनमें ऑब्जर्वेशंस या लोगों के साथ बातचीत ज्यादा अच्छे से, या पुलिस थाने में लोगों के साथ कैसे बर्ताव होता है। अब पुलिस वाले के यहाँ चले जाइए, थानेदार से पूछिए कि आप कैसा बर्ताव करते हो, अरे साहब हम तो बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। और किसी दलित के पास पहुंच जाओ, साहब वो तो गाली बकते हैं, हमको घुसने ही नहीं देते, अब कैसे रिश्ते निकालो। तो उसमें तो यह है कि लोगों से बातचीत करो, खुद वहां बैठो, वहां जाके ऑब्जर्वेशन करो, अपने केस स्टडीज निकालो, तब वहां पर शेड्यूल लेके जाने का कोई अर्थ नहीं होता। तो मेरा कहने का है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज जो एक ये होता है सोशल साइंस में कि आप जो टूल यूज कर रहे हो वो वहां के लिए कितना अप्रोप्रिएट है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि हमारा जो एम होता है टू कैप्चर द ट्रूथ, देखिए दो शब्द आप समझिए कि एक होता है रियलिटी, रियलिटी कैन बी परसीव्ड ओनली बाय इटसेल्फ,
Nobody can see the reality. हम क्या कैप्चर करना चाहते हैं? ट्रूथ. ट्रूथ जो होता है वो रिलेटिव. ट्रूथ किसका? ट्रूथ. ये देखिए आप प्रशांत भूषण के केस में भी ये आप अभी पढ़ रहे होंगे, बहुत बहस चल रही है. उनका ट्रूथ अलग है, जजेस का ट्रूथ अलग है, एक्टिविस्ट का ट्रूथ अलग है. अच्छा, कोई गलत नहीं है, सबके अपने अपने तर्क हैं. अब ये क्या होता है कि जब हम ट्रूथ की बात करते हैं तो किसका ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो किसी का एक का ट्रूथ उसके लिए ट्रूथ है, आपके लिए ट्रूथ नहीं है. जैसे मैंने बताया था कि एट्रोसिटी आपके ऊपर होती है, वो महिला उसको एट्रोसिटी मानती नहीं, तो उसका भी ट्रूथ सही है. उसने जो कहा कि नहीं होती वो भी सही है. आप कहते हैं होती है वो भी सही है. आपकी सिचुएशन में होती है, क्योंकि आपको ये बताना डिफाइन करना पड़ता है कि आपके ट्रूथ का क्या अर्थ है. और इसीलिए सोशल साइंस में हमको बहुत गहराई में जाके चीजों को देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक के ट्रूथ अलग अलग होते हैं और सिचुएशन के साथ ट्रूथ बदलते हैं. जैसे जब कोविड का पहला फेज आया था तो लोग ये बताने में डरते थे कि हमको सर्दी जुकाम है कि नहीं, बोले हमको वहां ले जाकर रख देंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे. अब धीरे धीरे अवेयरनेस आई कि नहीं, हम पहले बता देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा. ये तो पहले तो उनको मारा था, पीटा, मारपीट हो गई थी डॉक्टरों के साथ. अब नहीं होते क्योंकि वो समय बदल गया, सिचुएशन बदल गई. तो उस समय भी उनका ट्रूथ वही था. उनका ट्रूथ उस समय गलत नहीं था, पर सिचुएशन अलग थी. अब ट्रूथ अलग हो गया, उस समय ट्रूथ अलग था. तो हमको क्या है कि चूंकि ट्रूथ निकालना है तो वी हैव टू सी कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, किस टूल से वी कैन गो नियर टू द ट्रूथ, एंड दैट टूल इज अप्रोप्रिएट एंड दैट रिसर्च इज मोर अप्रोप्रिएट, जो कि ट्रूथ को निकाल के सके. और मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ रिसर्च स्कॉलर को, जो मेरे एक्सपीरियंस है, कि हमको ट्रायंगुलेशन मेथड अपनाना चाहिए. व्हाट डू वी मीन बाय ट्रायंगुलेशन? ट्रायंगुलेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ग्रुप डिस्कशन एंड शेड्यूल. तीनों, देखिए तीनों का मतलब अलग अलग होता है, उनके अलग अलग निकल के आते हैं. जैसे इसमें चेक्स एंड बैलेंस हो जाता है. कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन में लिखी है, वो उनको लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा. जैसे आपने कहा कि स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, पूछने की क्या जरूरत है, आप जाके ऑब्जर्व कर लीजिए पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं. ब्लैक बोर्ड का उपयोग होता है कि नहीं, आप जाके देख लीजिए. हर इंटरव्यूअर से पूछने की क्या जरूरत है? दिस थिंग कैन बी सीन बाय ऑब्जर्वेशन. सफाई की व्यवस्था है कि नहीं, लड़के लड़कियों के अलग बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय अलग है कि नहीं. तो ये सब आप इंटरव्यू में पूछने बैठने की क्या जरूरत है? यू कैन गो एंड ऑब्जर्व. कुछ चीज है ग्रुप डिस्कशन से. तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जैसे आपके 20 सैंपल गांव हैं, उसमें 250 रिस्पोंडेंट्स हैं, तो 250 तो आपकी शेड्यूल बनेंगी जिनसे आप पूछेंगे जाके. तो 20 गांव है तो 20 की आप एक चार्ट बनाइए, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल चार्ट. उसमें लिखिए कौन कौन सी चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे, और उसमें एक ये कॉल बनाइए कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोगों से पूछ के भरेंगे, और बाकी जो है फिर शेड्यूल में केवल वही चीजें पूछे जो कॉमन टू सम नहीं है, केवल उससे संबंधित है. जैसे गांव में बस आती है कि नहीं, हर एक से पूछने की जरूरत है. बातचीत में पता पड़ जाएगा बस आती है कि नहीं, समय पर आती है कि नहीं, पटवारी उपलब्ध रहता है कि नहीं, टीचर जो है वो शहर से अप डाउन करती है कि नहीं, पढ़ाती है कि नहीं, आंगनवाड़ी में क्या होता है. तो ये चीजें, बहुत सी चीजें जो है हम जबरदस्ती हर आदमी से पूछते बैठेंगे. लोगों से केवल वही पूछे जो कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित है. सफाई की व्यवस्था कैसी है, लोग उससे संतुष्ट है कि नहीं, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्वेशन. तो इसलिए हर, जैसे 20 गांव का सर्वे कर रहे हैं तो 20 गांव के हमारे पास होने चाहिए एक एक ऑब्जर्व डेटा बैंक, ऑब्जर्वेशन चार्ट, और तीसरा लोगों से बातचीत के निष्कर्ष, डायरीज, जिससे हम लोग बातचीत करके उस बारे में पता लगाएं. एंड देन देयर शुड बी ए शेड्यूल. और उससे एक चीज दूसरे चीज से काउंटर चेक होती है ना. जैसे जो चीज आपने
ऑब्जर्वेशन में निकल आई तो कई बार क्या होता है कि अगर आपका शेड्यूल में वो चीज नहीं आ रही है तो ऑब्जर्वेशन से पकड़ में आ जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि क्या हुआ था कि एक बार हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन का सर्वे हम लोगों ने किया था, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट, 22,000 हाउस होल्ड का सर्वे था। अब उसमें क्या हुआ कि एक हम लोगों ने चेक एंड बैलेंस लगाया था कि देयर शुड बी सम बैलेंस, जितने हाउस होल्ड है और जितने फैमिलीज और जितना हैंडीक्राफ्ट है उसके बीच कोई रेशो होना चाहिए। अब वो डेटा जब आया तो उसमें लग रहा था कि हाउस होल्ड की संख्या तो बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत कम है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो दिमाग में लगा कि अब क्या करें, तो मैंने जीप उठाई, सीधे गए मैंने, चलो मंडला चलते हैं जाके देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ क्या है। अच्छा, नंबर ऑफ हाउस, अब वो जो जिस लड़के को वहां का इंचार्ज बनाया था उससे पूछा कि भाई ये कालू राम ये कहाँ रहता है, बोले साहब यहाँ रहता है, मैंने कई मकान कहाँ पर है, उसने सब लोकेशन बताई, तो लग तो गया कि लड़के गया तो है, यहाँ गड़बड़ नहीं है, देयर इज नो लैप्स, लड़के ने फैमिली का सर्वे किया है, फैमिली के पास गया है, नकली काम तो नहीं किया है, अब क्या गड़बड़ है। अब गड़बड़ वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट करने गए मैंने, भाई उनके घर गए तो परिवार में देखा तो वहां तो सब, देखिए परिवार की क्या डेफिनेशन होती है, जो एक छत के नीचे रहे, कॉमन किचन हो और एक छत में रहते हैं। पता है पड़ा कि लोगों ने एक एक परिवार के चार चार परिवार दिखा दिए, परिवार एक्चुअल में एक था पर डेटा में भर के कितने आए, चार। अब चार परिवार आएंगे तो आपका मैच नहीं होगा ना, हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो उसके साथ मैच। फिर मैंने कहा फिर ऐसा क्यों हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन किया कि ऐसा क्यों हुआ। तब पता है पड़ा कि वो लोग हैंडीक्राफ्ट में ये जो इसकी जो होती है ना, जो होली में रखने वाली मूर्ति होती है, होलिका दहन की मूर्ति बनाते हैं और वो मूर्ति हो, अब वो क्या हुआ, कलेक्टर साहब ने वहां पे घोषणा कर दी कि जितने मूर्ति जितने परिवार हैं उनको हम उतनी दुकानें अलॉट करेंगे। तो लोगों ने अपने परिवार एक एक के चार चार कर लिए कि जिससे चार चार दुकानें हो जाए, तो परिवार तो एक ही था, वो डेटा में चार परिवार हो गए। वो हम जब क्रॉस चेक करने आ गए तो पता, पर ये चीज कब मालूम पड़ेगी, जब आप फील्ड में जाएंगे। तो कई बार जो डेटा जो आता है वो डेटा अपने आप में सही होता है पर उसका इंटरप्रिटेशन सही इसलिए नहीं होता है कि आप उस डेटा की गहराई में नहीं गए। तो उसकी गहराई में जाने के लिए हमको, इसीलिए मैं कहता हूँ तीनों चीजें कीजिए, ऑब्जर्वेशन भी कीजिए, लोगों के साथ बातचीत, कई चीजें लोगों से बातचीत करके पता लगाइए, और तीसरी चीज जो है वो लोगों से बातचीत भी कीजिए, और फिर शेड्यूल आप भरिए। शेड्यूल में केवल वही चीजें रखिए जिसका उस आदमी से संबंध हो। जैसे कई बार शेड्यूल में ऐसे जो सवाल होते हैं, अभी मैं इन सवालों की चर्चा करूंगा, कि कई कई सवाल जो ऐसे होते हैं कि हम ये समझते हैं हमारा बायस, और वो उसका जो बायस होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग चीज तरीके से तर्क होता है और हमारा तर्क अपने तरीके से होता है। जैसे ये जो आपका ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, वो चीजें जो कॉमन टू है, जैसे मैंने बताया कि ये बिजली कितने घंटे आती है, स्कूल में बोर्ड है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा, टीचर आती है कि नहीं, ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं, पुलिस वालों का व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें जो है शेड्यूल के बजाय लोगों से बातचीत करके आप निकाल लेंगे वो ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उनको इसमें रखना चाहिए, है ना। पंचायत किस प्रकार से काम कर रही है, राशन की दुकान में राशन आता है कि नहीं, राशन समय पर मिलता है कि नहीं, कम तो नहीं मिलता है, ये सारी बातें जो है शेड्यूल में रखने के बजाय यू शुड गो, लोगों से बातचीत कीजिए, पता लगाइए और उसको वहां पर नोट कीजिए। मैं तो हमेशा फील्ड वर्क में लड़के को एक डायरी जरूर देता था और उसमें कहता था तुमको जो लगे सो लिखते जाओ, तुम्हारा जो अनुभव हो, तुमको जो अच्छा लगे बुरा लगे ये मत समझना, गलत लिख रहे हो अच्छा लिख रहे हो बुरा लिख रहे हो ये कुछ मत सोचो, तुमको जो फील हो रहा है, फीलिंग हो रही है वो लिखो, बट दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो जो फीलिंग होती है वो हर आदमी की बहुत अलग अलग होती है। वो फील जो हमारी फीलिंग होती है, आप क्रिमिनल से पूछोगे वो जो फीलिंग उसकी जो आएगी वो बहुत डिफरेंट होती है। मुझे याद है कि झाबुआ में जिस समय हम सर्वे करने जाते थे उस जमाने में 1981-82, उस समय तो बहुत लूटपाट होती थी,
और तीर मार देते थे, और कई बार तो ये हुआ कि उनको कह दिया कि भाई हम आपको ये सामान दे देते हैं, भैया तुम ले लो, ले जाओ, नहीं लेते, क्योंकि उनका कल्चर अलग है। वो कहते हैं ये हमने मुफ्त की कमाई नहीं खाएंगे, तो जब तक आपके शरीर पर थोड़ा खरोंच तो लगा ही देंगे, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशंस में कब जाना, किससे पूछना, क्या पूछना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि जब तक आप उसकी कल्चर ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते और उन कंडीशंस को जाके आप खुद जाके नहीं देखते, तब तक ये चीजें नहीं बनती। इसलिए जो मेरा पहला ये है कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं बहुत रिजिड होते हैं कि हमारे सर ने ये बताया था, अरे सर ने गलत भी बताया होगा, सर ने बताया उस पर विश्वास नहीं कीजिए। आप फील्ड में जाके बताए देखिए कि क्या चीज परिवर्तन हुए, लोगों के परसेप्ट कैसे हैं, लोग कैसे इस चीज को सोच रहे हैं। कई बार हमारे समय में तो ये होता था भैया, अब समय बदल गया, अब आज ट्राइबल के अंदर आप जाएंगे तो ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल की बहुत सी चीजें कॉमन हो गई। अब ट्राइबल भी डीजे बजा रहे हैं, शादियों में बियर पी रहे हैं, है ना। पहले बियर बजे अपने लगता था बड़ी महंगी चीज है, ऐसा नहीं है, पर वहां के कल्चर में, अब पहले के कल्चर में और आज के कल्चर में बहुत फर्क आ गया। आप ये मान के चलें कि उस समय की जो चीज थी वो अब चलेगी, ऐसा नहीं होता। अब मैं इस पे आऊंगा कि शेड्यूल्स कैसे बनते हैं और कैसे होने चाहिए। कितना टाइम है अभी सर? यू कैन कंटिन्यू अप टू 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, ओके। सबसे पहली चीज है शेड्यूल जो होती है, डिजाइनिंग ऑफ द शेड्यूल के ऊपर तो मैं जब बाद में कभी, ये तो एक्चुअली वैसा लैब में बैठ के बताते हैं। अब शेड्यूल्स में जो है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे डिजाइन करेंगे, इसमें एक दो चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दे आर गुड टूल्स बट दे आर नॉट सफिशिएंट। ये बहुत ध्यान में रखिए, टूल अच्छा है पर ये मान लें कि ये हमेशा ठीक ही होगा, इसका ये छाती ठोक के कोई नहीं कह सकता। डू वी सी थिंग्स एज वी एक्सपेक्ट देम? ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे देखने में, हमारे परसेप्शन में और जिससे हम पूछ रहे हैं उसके परसेप्शन में बहुत गैप होता है, और जो हम सोच रहे हैं और उसके सोचने में बहुत फर्क होता है। ये ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए ये अच्छे टूल्स हैं पर केवल सफिशिएंट नहीं है। मैं अब आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स देता हूं। कई बार सवालों का उत्तर यस होता है और नो भी होता है, हम कैसा सवाल पूछ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे स्टूडेंट कुछ गए, सीधा सवाल पूछ लिया, उसको किस प्रकार से क्वेश्चनिंग होनी चाहिए ये डिपेंड होता है कि क्या आप नॉनवेज खाते हैं। जवाब आए कभी मिले तो खाएं, कभी नहीं मिले तो नहीं खाएं, बिकॉज योर क्वेश्चन इज फॉल्टी। आपको ये पूछना चाहिए था कि इस पिछले एक महीने में आपने कितने दिन नॉन वेजिटेरियन खाया, क्या खाया, कितनी, जब तक ये डिटेलिंग नहीं होगी तब तक क्या आप खाते हैं, क्या आप उन्नत बीज का उपयोग करते हैं। अब उसने एक आधे खेत में किया होगा तो कह देगा, कह करते हैं। अब उसको एक तो चीज है, उसको यही कल्पना नहीं है उन्नत बीज क्या होता है। जैसे मैंने वो सवाल पूछा था कि क्या आप पौष्टिक भोजन लेते हैं, अब पौष्टिक का क्या मतलब होता है। परसेप्शन, उसका परसेप्शन अलग है, हमारा परसेप्शन पौष्टिक का अलग है। तो आपको सवाल को डिटेलिंग करना पड़ेगा। केवल ये ऐसे सवाल जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक हमारे एडमिटर में इस पे एट्रोसिटी पे काफी काम होते थे, तो पूछा दलित कि क्या आपके ऊपर एट्रोसिटी होती है। देखिए उसके दिमाग में भरा हुआ है कि दलितों पे अत्याचार होता है, जनरली अत्याचार होता है। तो वो क्या जवाब देगा, हाँ साहब हम पे अत्याचार होता है, पीढ़ियों से होता आया है। अब हमने उसको सवाल दूसरे तरीके से पूछा कि क्या पिछले 5 सालों में आपके ऊपर किसी सवर्ण ने अत्याचार हुआ। बड़े साहब हमारे ऊपर तो नहीं हुआ। और फिर इस सवाल के बाद भी होना चाहिए कि क्या अत्याचार हुआ। अब अत्याचार जो शब्द है, एट्रोसिटी, वो कई प्रकार की होती है और इसमें ओपन एंडेड सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर आप क्लोज एंडेड रख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि किसको अत्याचार मानते हैं। जैसे
वो कनाडा से हमारी भांजी की लड़की आई थी, उनका परसेप्शन अत्याचार का अलग है, उनकी बेटी जो आई थी छोटी वो विवाह है थे, उसके बाद वो बिल्कुल गुमसुम हो गई बेचारी एकदम अकेली, मैंने क्या हो गया इसको, तो पता है पड़ा कि किसी बच्चे ने उसके कान में जोर से भू कर दिया। अब कनाडा में कोई किसी के कान में भू नहीं करता, यहाँ तो सभी करते हैं, तो उसके लिए वो अत्याचार हो गया, यहाँ के लिए अत्याचार नहीं हुआ। तो आप सवाल आप जब पूछने गए अत्याचार, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ओपन एंडेड देना पड़ेगा, आप बताइए कि आपको क्या अत्याचार। मुझे इसलिए याद आ रहा है जैसे हमने एक किया था और वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने एक ये था परसेप्शन ऑफ ड्राउट इन द ट्राइबल एरिया, हाउ पीपल परसीव ड्राउट, अब परसेप्शन से रिलेटेड था, तो एक सवाल था कि आप कैसे समझेंगे कि अगले साल सूखा पड़ने वाला है, ओपन एंडेड रखा क्योंकि हमें नहीं मालूम कि लोग कैसे सोचते हैं। जवाब आए देखिए आप इसको कैसे करना पड़ता है, कुछ ने कहा कि साहब जब चंद्रमा के चारों ओर गोला पड़ता है तो उस साल सूखा पड़ता है, किसी ने कहा बांस में जब फूल आ जाते हैं उस साल सूखा पड़ता है, किसी ने कहा टीटी के अंडे जब इस दिशा में होता है उस साल बारिश अच्छी होती है, किसी ने बताया कि वो सिलबट्टे के ऊपर अगर हम मिर्च पीसते हैं और वो चिपकती है तो उस साल बारिश अच्छी होती है ना। अब ऐसे कई प्रकार के सवाल आए, अब हमने क्या क्या किया इसको सबको नोट किया और इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्डेंट्स नहीं दे आर रेस्पॉन्सेज, फिर इनको क्लासिफाई किया हमने कि रेस्पॉन्सेज रिलेटेड विथ साइंटिफिक या ऑब्जर्वेशन, रेस्पॉन्सेज रिलेटेड विथ ये प्रिजुडिसेस, रेस्पॉन्सेज रिलेटेड विथ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेदर, और फिर उनको हमने ए बी सी में कैटेगराइज किया और क्वांटिफाई किया कि कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी इसमें ऑब्जर्वर नहीं, इसमें क्या आएगा रेस्पॉन्डेंट्स नहीं आएंगे, परसेंट आउट ऑफ रेस्पॉन्सेज, और फिर हमने ये निकाला डिस्कस कि भाई ट्राइबल जिसको हम कह रहे हैं कि वो कोई प्रेजुडिस्ट नहीं होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो कई बार क्वालिटेटिव एंड ओपन एंडेड सवाल रखने पड़ते हैं, यानी सबसे बड़ी चीज है दिमाग को खुला रखना पड़ता है, कई बार मीनिंगलेस होते हैं वो भी सही और हम भी सही, हमारे दिमाग में है कि ये चीज सही है। मैं उसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ट्राइबल एरिया में उस समय गए थे इल्लियां लगने की, इल्ली समझते हैं ना इसमें ये जो तक ये चने के उसमें इल्ली लग रही थी, हमारे दिमाग में ये था कि या तो इसको ज्ञान नहीं है या इसके पास पैसा नहीं है इसलिए इल्ली लगने दे रहा है। अब लाइक दीप जी देखिए उसका लॉजिक और हमारा लॉजिक मैच नहीं कर रहा था। अब एक किसान के वहां गए तो वहां ट्रैक्टर वैक्टर रखा था, ट्राइबल किसान था, हमने उसे पूछा कि साहब आपके खेत में भी इल्ली लग रही है भाई, क्या बात है आपको, क्या दवा ये तीन चार दवाएं होती है जो डालते हैं, तो उसने मुझे तो चार मालूम थी उसने छह बता दी, उसे पूरा ज्ञान था कौन कौन सी दवा डालने से इल्ली नहीं होती। हमने कहा भाई पैसे की कमी है, बोले साहब बड़ी पैसा है ट्रैक्टर रखा है ये रखा है। अब दिमाग चकराया मैंने, फिर भी आपने अपने खेत में दवा क्यों नहीं डाली, इल्ली लग रही है आपके भी खेत में, उसका जवाब सुनिए। उसने बताया साहब अगर हम दवा डालते तो क्या होगा, हमारा खेत बच जाता, इल्ली नहीं लगती, सबके खेतों में इल्ली लगी हुई है तो वो मेरा खेत लूट के ले जाती, यानी मेरी दवा भी जाती और पैसा भी जाता। तो इसलिए इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं थ्योरी ऑफ गेम्स, क्योंकि उसका रिस्क प्रोफाइल अलग है हमारा रिस्क प्रोफाइल अलग है, ये हमारे शेड्यूल में डायरेक्ट हम भर के ले आते तो कोई उत्तर मिलता क्या, नहीं मिलता। तो कई बार यस है पर वो मीनिंगलेस है, कई बार कुआं है पर वो मीनिंगलेस है, कई बार बैलगाड़ी है वो मीनिंगलेस है। ट्राइबल एरियाज में कई बार लोगों को बैलगाड़ी दी गई, वो बैलगाड़ी इसलिए मीनिंगलेस थी तो वो पोटकेटी लेके अपने बस में बैठ के चले जाते हैं, पर बैलगाड़ी उन्होंने इसलिए ली क्योंकि उनको बैल चाहिए था और बिना बैलगाड़ी के बैल नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने बैलगाड़ी और बैल दोनों साथ दिए थे, बैलगाड़ी कचरे में पड़ी और बैल का उन्होंने उपयोग किया। तो ये अपने को जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो बहुत सोच के बनाना पड़ता है कि उसको सही, कई बार क्या होता है उसको सही मालूम होता है और वो सही बताना नहीं चाहता। इसमें दो प्रकार के सवाल बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे कितना उत्पादन हुआ कितनी लागत में, कहीं जवाब नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा।
कि पिछले दो सबसे पहले कौन कौन सी फसलें आपने बोई, उसमें आपने डिफाइन करना पड़ेगा कि लागत से आपका क्या मतलब है, कितना बिजली का बिल आया, कितना खाद खरीदी, फिर आपको कन्वर्ट करके लागत निकालनी पड़ेगी। डायरेक्टली लागत कोई नहीं बताएगा। उत्पादन कितना हुआ उसमें भी फिर हम करते थे कि उसमें कितना गेहूं बोरे गेहूं निकला, कितने बोरे आलू निकला, उसको कन्वर्ट करते हैं मनी में, देन डिवाइडेड बाय लैंड, उसके बाद वो प्रोडक्शन निकलता है। डायरेक्ट आप पूछेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी लागत आई, तो उसे कैसे निकलेगा भाई। तो यू हैव टू, आपके सवाल को आपको बहुत भागों में बांटना पड़ता है। जैसे आपने पूछा कि एट्रोसिटी होती हुई, आपके पास साथ इतनी एट्रोसिटी हुई क्या, अगर हुई तो किस प्रकार की हुई, फिर उसको क्लासिफाई आपको करना पड़ता है, या तो प्री कोडेड या पोस्ट कोडेड। तो पहले से आप कोड नहीं कर सकते, बाद में आप कोड डालते हैं। तो ये पर ये आपको, जैसे हमने कहा आपको कोई भगवान मानते हैं क्या, बोले साहब हम इन भगवानों को मानते हैं, इनमें सबसे अब भगवानों की कोडिंग कैसे करेंगे, तो फिर क्या अपनाया तरीका, मैंने लिख लो जो भगवान कह रहे हैं। जब सर्वे पूरा हो गया, पता पड़ा कुल कितने भगवान आए लिस्ट में, बोले साहब कुल 40 भगवान आए, तो 40 कोड बने। अब हम सारे भगवानों को पहले से कोड बनाने की क्या जरूरत थी, नहीं थी ना, सारे भगवानों को कोड बनाने तो कितने बनते, भारतवर्ष में तो कई लाख देवता बनते, अब बेमतलब में बनते। तो पहले क्या किया मैंने, पहले आप तो लिख लो कौन कौन से भगवान है, और फिर सर्वर को कहा कि कंप्यूटर पर लिख के बताओ कि कुल कितने भगवान आए, बोले कुल 50 भगवान आ रहे हैं, तो मैंने 50 कोड बना दो और उनको कोड असाइन कर दो। तो जो सबसे बड़ी चीज है कि एक ही सवाल के दूसरे उत्तर भी आ सकते हैं, और सवाल का अलग भी उत्तर आ सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब आप सवाल बनाते हो तब भी केयरफुल होना पड़ता है, लोगों की भावनाएं तो नहीं भटकती है ये भी देखना पड़ता है। जैसे ये पूछ लिया आपके कितने बच्चे हुए, उसने नोट किए, बोले 1, 2, 3, 6 हुए, अब इसमें से कितने मर गए, ऐसे पूछोगे तो पिटाई हो जाएगी। तो आपको दूसरी तरीके से पूछना पड़ता है, इनमें कौन कौन लोग हैं आपके साथ, उसको माइनस करके मरे हुए निकालने पड़ते हैं। कई बार लोगों की कई भावनाएं होती हैं वहाँ के लोगों की, चीज़ों की जुड़ी हुई रहती हैं, कि किसी भगवान को बड़ा बता दो या छोटा बता दो, तो वो उसके संदर्भ अलग होते हैं, इसलिए वो शेड्यूल बनाने में। इसलिए जो लोग समझते हैं कि सोशल साइंस वाले, हमारी पत्नी कहती है जाके कुछ उल्टा सीधा भर के ले आते हो और कुछ भी करते हो, ऐसा नहीं है, चैलेंज रहता है। और जब आप फील्ड में जाएंगे तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग, उनके गहरे अध्ययन किए बिना, पहले से प्री टेस्टिंग किए बिना, और एक एक सवाल को वेटिंग किए बिना, आप सवाल अगर बनाएंगे तो सवाल तो होंगे, उत्तर भी होंगे, टेबल भी होंगे, पर उसके कोई रिजल्ट्स मीनिंगफुल नहीं लगेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीधे हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं सर, जो पार्टिसिपेंट्स आपसे पूछना चाह रहे थे, बहुत ही ब्रीफ, और जिसको मैं कहूँ कि ग्राउंड एग्जांपल्स के साथ में आपने आज का अपना लेक्चर डिलीवर किया। तो क्वेश्चन हम एक एक करके ले रहे हैं। डॉक्टर ममता पांडे पूछना चाह रही हैं कि सोशल साइंस में बिना हाइपोथेसिस के रिसर्च पॉसिबल है ना सर? बिल्कुल है। हाइपोथेसिस तब होती है जबकि आपका मॉडल, मैंने बताया, डिडक्टिव है। अगर इंडक्टिव मॉडल है, जैसे इंडक्टिव मॉडल में आपके दिमाग में कुछ रिसर्च के सवाल होते हैं, फिर आप कुछ फील्ड में जाके डेटा लाते हैं, फिर डेटा के आधार पर आप सवालों का जवाब लेते हैं, और फिर उन जवाबों के आधार पर अगली रिसर्च के लिए वो हाइपोथेसिस बन सकती है। ज्यादातर जो मेरे पास थीसिस आ रही है उनमें हाइपोथेसिस उसमें लिखने हैं जहां इंडक्टिव रिसर्च है। इंडक्टिव रिसर्च में केवल रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, हाइपोथेसिस नहीं होगी, रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। और आप ICSSR का वो जो डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें लिखा है हाइपोथेसिस ऑब्लिक रिसर्च क्वेश्चन। अगर आपका मॉडल इंडक्टिव है तो रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, और अगर डिडक्टिव है तो, क्योंकि थीसिस में क्या हो रहा है, हाइपोथेसिस लिखना है, उसकी टेस्टिंग ही नहीं की है, तो फिर हाइपोथेसिस का क्या मतलब होगा, अगर हाइपोथेसिस है तो टेस्ट होगा। सो बिल्कुल होते हैं, इंडक्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस ना होंगी, उसमें रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, और अगर डिडक्टिव है तो हाइपोथेसिस होगी। क्लियर कट बात। रेनू मैम,
I think Renu ma'am is disconnected. Okay, please, Ravin sir. So let me ask, sir. I will ask one question on the part of participants. Rupesh Kumar Monu ne pucha hai, what is pre-empirical research? What steps can be performed prior to collecting data in this research? Pre-research. Pre-empirical research. Pre-research nahi, empirical. Pre-research is also empirical. Pre-research jo hoti hai, wo empirical research ka base banati hai. Jisse ki aap jab schedule banaye, you are well versed with the society, with the social situation. Iske liye aap pre-research karte hain, pre-surveys karte hain, exploration karte hain, and then you make your schedules. But both are empirical. जहां भी आप फील्ड जाते हैं, केवल जो उसका जो कंसेप्ट बनाते हैं वो कंसेप्ट. जी सर, थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मनीष कुमार सिंह. ही इज आस्किंग दैट व्हाट इज द परमिशिबल मार्जिन ऑफ एरर, व्हाट इज द परमिशिबल मार्जिन ऑफ एरर व्हेन कंप्यूटिंग ए सोशल रिसर्च सैंपल साइज. 0.5 लेवल. Yes. Probability of 95% means 0.5 level. Okay, sir. This is the permissible error. Next question is from Dr. Chaya Hardia. She is asking which tool is used to conduct empirical research study. What? Any tools? Tools. That tools I for explain them. That is, tools can be used as schedule hai, or observation hai, experiments hai. है ना, केस स्टडीज हैं, दे आर ऑल टूल्स. वो आप उसमें देख लीजिए, टूल्स का जो वो आपको भेजा है, मतलब जिसका जो पावर पॉइंट है उसमें नंबर ऑफ टूल्स दिए हैं, उसके बाद सवाल उठाया मैंने, विच इज एप्रोप्रिएट, टूल्स हैव बीन गिवन इन दैट साइट, उसमें मिल जाएंगे. रविंद्र सर. यस सर. रेनू मैम आ गई है शायद, देखी नहीं उनको, कॉल सुना दीजिए. ओके ओके, ओवर टू रेनू. ओवर टू रेनू. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मुझे नहीं पता, रविंद्र से कवर कर लिया हो तो, वो पॉलिटिकल साइंस में एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में बात करना चाह रहे थे. जी जी, नहीं पूछा अभी, सर बताएंगे. पूछे पॉलिटिकल साइंस में एम्पिरिकल रिसर्च किस तरह से हो सकती है, ये क्वेश्चन था सर. बिल्कुल हो सकती है, हमारे इंस्टीट्यूट में तो सारी रिसर्च पॉलिटिकल साइंस की एम्पिरिकल ही होती है. जैसे आपका ये पंचायत इफेक्टिविटी ऑफ पंचायत गवर्नमेंट है ना, या लोगों के पॉलिटिकल व्यूज हैं, ये जो पूरा जो दिल्ली का जो पूरा ग्रुप है जिन्होंने पोल सर्वे जो होते हैं, प्री पोल सर्वे, पोस्ट पोल सर्वे, ओपिनियन ऑफ इंडिया के जो सर्वेज हुए हैं, ये जो ये दुबे जी जो आते हैं, ये सारे एम्पिरिकल रिसर्च पॉलिटिकल साइंस वालों ने करनी है. अगर उनको पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च देखनी है तो हमारे इंस्टीट्यूट के जो हैं आपका यतीन सुरिया से संपर्क करें, या उनकी वेबसाइट पे जाइए. देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन डन इन द पॉलिटिकल साइंस इन आवर इंस्टीट्यूट. बहुत होती है पॉलिटिकल साइंस. जी सर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड विद द चैलेंजेस इन द रिसर्च. जो पार्टिसिपेंट है वो पूछना चाह रहे हैं सर कि जहां पर कॉजल और इफेक्ट सोशल साइंस में मायने नहीं रखता है, वहां पर हमें किस तरह की टेक्निक यूज लेनी चाहिए? उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निक लेनी चाहिए. उसमें विच फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, अंडर विच कंडीशन दिस थिंग्स हैपन्स है ना, इसकी एनालिसिस करनी चाहिए. कितनी होने से कितना होता है इसकी जगह, किस प्रकार के उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं, और किस कंडीशन में होता है, कौन कौन सी सिचुएशन है उनके अंदर ये चीजें हो रही हैं. जैसे मैंने बताया ना कि ड्रग, ये अगर आप ये देख रहे थे वहां पर कि पैसे से कितना फायदा हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसे को कंट्रोल कौन कर रहा है. तो कई बार अगर पैसे का कंट्रोल जो है अगर पुरुष के हाथ में है, तो जरूरी नहीं है कि वो वेलफेयर चीजों में जाए. ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये उससे मालूम पड़ेगा कि आप जाके वहां पर क्वालिटेटिवली चेक करें. जैसे पंजाब वगैरह में लोगों ने जो कहा, हम लोग जब गए थे पंजाब में तो हमने बताया कि जब रिलायंस से इतना पैसा मिला, करोड़ों रुपए मिला, तो बड़ा आनंद हो गया होगा. तो उनके पिताजी बोले आप हमारे साथ चलो, आपको आनंद दिखाते हैं. तो गए तो पता पड़ा उनके दोनों
तीनों बच्चों ने तीन एसयूवी ले ली है और ठेके पे बैठ के दारू पी रहे हैं, रात में आके पत्नियों को पीट रहे हैं। बोले साहब पैसे का ये फायदा हुआ। यहाँ क्वालिटेटिवली या खुद ऑब्जर्वेशन जाके आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ये भी हम नहीं कह सकते कि पैसा मिलने से दारू बढ़ेगी, और ये भी नहीं कह सकते कि पैसा बढ़ने से सुख और समृद्धि ही आएगी। यू हैव टू गो ऑब्जर्व एंड थिंक द रिलेशनशिप। और आप लिखते समय आप वो सिचुएशन बताइए कि किन सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है, और किन सिचुएशन में अगर ऐसा ना हुआ तो ये हो। दिस इज ऑल्सो रिसर्च, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ आंकड़े ही दिए जाए न्यूमेरिकल। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन जो था, सोनी सर आपसे अनुरोध है कि मुझे को-होस्ट बना दीजिए। ओके मैम। है आप ऑलरेडी को-होस्ट हैं। एक दूसरी नहीं दूसरी आईडी शायद अब टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। Please continue. Thank you, sir. Just a minute. Yeah. Rupesh Kumar Monu जो है उनकी तरफ से question है, what is pre-empirical research and what steps can be performed prior to collecting data in this research? Ma'am, this has been asked. Answered. Okay. Answered. मैडम डिस्कनेक्ट हुए। व्हिच टूल इज यूज्ड टू कंडक्ट इट? यस यस। इज इट ऑलरेडी आस्क सर? प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अ क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर छाया हरदिया, व्हिच टूल इज यूज्ड टू कंडक्ट एम्पिरिकल रिसर्च स्टडी? देयर आर मेनी टूल्स भाई, और वो आपके उसमें एक स्लाइड है, उसमें द नंबर ऑफ टूल्स दिए हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस भी किया है कि कोई टूल एक नहीं होता, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ टूल्स, इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच अंडर व्हिच सिचुएशन यू हैव टू यूज। वो मैंने आपका जो आपका पावर पॉइंट का वो जो दिया हुआ है उसमें वो टूल्स बताए हैं, और उसके ऊपर मैंने डिस्कस भी किया था कि कोई एक टूल नहीं होता, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ टूल्स, और कौन सा टूल यूज करें ये सिचुएशन पे और उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। A question is from the Ravindra Kumar sir, that empirical pilot survey is necessary for empirical study? Yes, very necessary. Pilot surveys are most important, and it should be done rigorously, because your schedule hai to wahan jayenge pata padega ki situation different hai, connectivity theek nahi aa rahi hai, to bina pilot surveys ke to kabhi bhi बढ़ना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट गो पायलट सर्वेज एंड दैट शुड बी डन रिगरसली। सो वन क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्टिसिपेंट दैट व्हाट इज न्यूट्रलिस्ट ऑब्जर्वेशन? नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। हां नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट, नेचुरलिस्ट, न्यूट्रलिस्ट नहीं नहीं, नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। इट्स अ पूरी ब्रांच है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, मतलब वी ऑब्जर्व डिस्कस विद पीपल एंड वी कम विद सर्टेन कंक्लूजन। तो ये नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी जो होती है इसके अंदर हम लोगों से पूछते हैं, प्री डिसाइडेड ऐसा कुछ शेड्यूल बना के नहीं जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके बीच इंटरेक्ट करते हैं, एंड देन वी गेट द आंसर। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी पूरी की पूरी एक ब्रांच है ऑफ रिसर्च की, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। ये जो जो मैं बता रहा था ना, ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी दे कम इनटू द नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। Thank you so much, sir. This is all about the questions, and rest of the questions we will take in the WhatsApp group and in the participants group. We will one more question from the Rakhi Shukla, inductive and detective research methods difference पूछना चाह रही है वो right now. Simple चीज मैंने बता रहा था, inductive research में basically we have some question in our mind, then we go to the field, collect data, analyze it, and then come with certain conclusion based on our research questions. Deductive research mein we have some hypothesis in mind, 3, 4, 5, then according to the hypothesis we go to the field,
ask certain questions, then we test our hypothesis and then get a result. तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है कि उसमें क्या होता है कि हम आंकड़े पहले इकट्ठे करते हैं फिर रिजल्ट पे आते हैं. इज कॉल्ड आल्सो एक्सप्लोरेटिव. हम इसमें क्या होता है, हम पहले से दिमाग में कुछ धारणाएं बनाते हैं फिर आंकड़े इकट्ठे करते हैं और फिर उन धारणाओं को टेस्ट करते हैं, देन वी कम टू द कंक्लूजन. ये बेसिकल मॉडल जो है आपका डिडक्टिव है या इंडक्टिव, या आपको पहले ही तय करना पड़ता है, बाद में तय नहीं होता है. अमूमन जो थीसिस में प्रॉब्लम आ रही है कि वो हाइपोथेसिस जबरदस्ती लिखे जा रहे हैं और उनको कहीं टेस्ट नहीं किया है क्योंकि वो मॉडल ही डिडक्टिव नहीं है, तो टेस्ट कैसे हो. पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी रिसर्च इंडक्टिव है या डिडक्टिव. अगर डिडक्टिव है तो फ्रेम हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्ट कीजिए. अगर इंडक्टिव है राइट द रिसर्च क्वेश्चंस 5, 6, 8 देन कलेक्ट द डेटा एंड एम्पिरिकली उसको एनालाइज कीजिए कि आपके जो सवाल पूछे थे उनके उत्तर क्या आ रहे हैं. ये फर्क है. थैंक यू सर. जीएस मीना हैज अ क्वेश्चन दैट हिज टॉपिक इज इंपैक्ट ऑफ मनरेगा ऑन रूरल अर्बन माइग्रेशन इन प्रतापगढ़ राजस्थान. What kind of procedure I need to use for field survey? When you go for an impact analysis, सबसे पहली बात है कि you will go into the program. Number one, कि what was the program? वो program के उद्देश्य क्या थे? What was the aims and objective of that program? इस overall program क्यों बनाया गया था? और क्या उसके लिए हमने सोचा था वो program कि हम ये achieve करेंगे? पहली बात तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए. देन यू जमीन पे जाके आप देखेंगे कि उस प्रोग्राम की आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. यानी ये तो हमने कंसीव किया था कि ऐसा प्रोग्राम है और ये हमारे स्थापित उद्देश्य थे. जमीन पर वो प्रोग्राम कैसा है, ये नंबर टू आएगा ऑब्जेक्टिव. नंबर थ्री आएगा ऑब्जेक्टिव कि ये प्रोग्राम कहाँ पर सफल हुआ है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों में सफल नहीं हुआ. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जहां सफल हुआ है वहां क्यों सफल हुआ है और वहां जहां सफल नहीं हुआ है वहां क्यों सफल नहीं हुआ. मतलब इसके इसके कौन सी बाधाएं हैं और कौन कौन से इसके अच्छे पॉइंट्स रहे हैं. और उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि इन बाधाओं को हम कैसे दूर करके प्रोग्राम को सफल बना सकते. ये सीधी सीधी स्टेप्स हैं, लीनियर. कोई भी प्रोग्राम है, एनी प्रोग्राम, एफिकेसी ऑफ एनी प्रोग्राम की यही स्टेप रहते हैं. एकता यादव की तरफ से क्वेश्चन है सर, हाउ वी कैन यूज एम्पिरिकल रिसर्च इन ज्योग्राफी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट रिसर्च. देखिए वाटर मैनेजमेंट रिसर्च में दोनों प्रकार की एम्पिरिकल होगी. एक तो फील्ड में जाके आप उसके इफेक्ट्स दे सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. देन लोगों के परसेप्शंस क्या है, लोगों की नीड्स क्या हैं और उस प्रोग्राम के प्रति उनका सोच क्या है, इसके ऊपर एम्पिरिकल रिसर्च हो सकती है. दोनों प्रकार से, एक तो डेटा निकाल सकते हैं कि कितना ये मैंने प्रोडक्शन बढ़ा, कितने लोगों को पानी मिला, इरिगेटेड एरिया में कितना सुधार हुआ, फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज में कितना चेंज हुआ. और फिर पूरा एक पार्ट रहेगा कि लोग उस लोगों को जो सोचते हैं उसके हिसाब से उनको फायदे हुए कि नहीं, लोगों का परसेप्शन हुआ कि नहीं. इन दोनों ही फील्ड में आप एम्पिरिकल रिसर्च को इसमें इरिगेशन प्रोग्राम के इम्पैक्ट में यूज कर सकते हैं. सेकेंडरी डेटा भी, प्राइमरी डेटा भी और लोगों के परसेप्शन के ऊपर. जीएस मीना एक क्वेश्चन कर रहे हैं सर कि इम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन में बिफोर एंड आफ्टर मनरेगा सिचुएशन का स्टडी पीरियड कितना लें सर. मनरेगा और उसके बाद का, तो मनरेगा का पहले का, जब मनरेगा शुरू नहीं हुआ था वो लेना पड़ेगा. प्री मनरेगा पीरियड एंड पोस्ट मनरेगा पीरियड. उसी एरिया में प्री मनरेगा पीरियड में लीजिए आप और पोस्ट मनरेगा. पर उसमें आपको सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा बहुत सारे अदर फैक्टर्स, क्योंकि केवल मनरेगा के असर नहीं है, माइग्रेशन में बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को प्रभावित कर रहे हैं अदर देन मनरेगा. तो आपको अगर इसमें बहुत कठिनाई है, कठिनाई मतलब ये है कि वो अदर फैक्टर्स जो हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा. तो आपको जब आप डेटा या सैंपल लेंगे तो
तो आपको वो जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हुए सैंपल लेने पड़ेंगे प्री मनरेगा एंड पोस्ट मनरेगा के, वो सैंपल्स जिनमें अदर जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल्ड है, क्योंकि जो केवल मनरेगा ही थोड़ी माइग्रेशन का इफेक्ट करता है, देयर आर मेनी। तो अगर आप सैंपल में ऐसे लेते हैं जिनके ऊपर केवल मनरेगा का असर हुआ है, ऐसे ही सैंपल लेना पड़ा, और उसमें फिर प्री मनरेगा एंड पोस्ट मनरेगा, यू हैव टू कंट्रोल द सैंपल्स और अदर इफेक्ट्स। सर प्रेरणा गौतम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि अभिजीत बनर्जी एंड एस्टर डोब्लो यूज्ड आरटीसी मेथड, दैट इज ट्रीटमेंट ग्रुप इन सोशल साइंस रिसर्च, व्हाट इज योर व्यू ऑन इट ऑन एथिकल ग्रुप एथिकल ग्राउंड? भाई एथिकल ग्राउंड के ऊपर भाई मैंने तो कभी किया नहीं ना, मैं तो हार्ड डेटा पे बिलीव करता हूँ, तो ये इनका कुछ अलग परसेप्शन होता है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। So I will not be able to answer this question. Okay. So Manish Kumar Singh जानना चाह रहे हैं, secondary data analysis is favorable for inductive research or not? If so, then how? भाई अगर आपका secondary data है, inductive research तो है ही। The secondary data can be used for inductive and deductive both. Say for example, आपने ये कहा कि डिडक्टिव रिसर्च का एक एग्जांपल देता हूँ कि शहर से दूरी बढ़ने के साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है। अब इस बेसिस पे आपने शहर से दूरी का डेटा लिया और भूमि उपयोग का डेटा लिया और उससे रिजल्ट्स निकाले, तो ये कौन सी रिसर्च हो गई? डिडक्टिव हो गई कि क्या भूमि शहर से दूरी का भूमि उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, दिस बिकम डिडक्टिव। इसी चीज को इंडक्टिव भी कर सकते हैं कि हमने पूरे जिले के डेटा देखे और कौन से डेटा में अर्बन इफेक्ट है और कौन में अर्बन इफेक्ट नहीं है, हमने एक्सप्लोरेटिव मॉडल से निकाला, हाइपोथेसिस नहीं बनाई, रिसर्च क्वेश्चंस बनाए और उसके बेसिस पर इंडक्टिव डेटा। तो सेकेंडरी डेटा तो डेटा है, डेटा तो डेटा है, इट कैन बी यूज फॉर इंडक्टिव रिसर्च आल्सो एंड इट कैन यूज फॉर डिडक्टिव रिसर्च आल्सो। इंडक्टिव और डिडक्टिव अब मॉडल है कि हम उस डेटा को कैसे यूज करना चाहते हैं, दिस इज योर डिसीजन। डेटा को दोनों ही तरह से यूज कर सकते हैं इन बोथ रिसर्चेस, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। प्रोग्राम कन्वीनर डॉक्टर जितेंद्र सोनी पूछना चाह रहे हैं कि सर इज इट पॉसिबल टू गो फॉर अ रिसर्च विद बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच? नो, वो रिसर्च फिर अलग अलग होगी। जैसे मैंने फ्रेंच वालों का उदाहरण लिया था, एक्सप्लोरेटिव एनालिसिस की उन्होंने कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में बच्चों की मॉर्टिलिटी ज्यादा क्यों होती, और उसके लिए इंडक्टिव मतलब ये कि उन्होंने इसको एक्सप्लोरेटिव कि बच्चों की मौत होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एजुकेशन की कमी या वीमेन का एम्पावर ना होना, ज्ञान का अभाव, है ना, ऐसे 15-20 जो 25 फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों के मृत्यु के, उसके उन्होंने एक्सप्लोरेटिव किया, फील्ड में जाके पता लगाया, वो किया, उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ ये। अब ये एक्सप्लोरेटिव रिसर्च से रिजल्ट्स आए कि इस एरिया में बच्चों के में इतने 10-15 कारण दिख रहे हैं। अब इसी की डिडक्टिव रिसर्च बन सकती है कि जो कारण हमको दिखे उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाए कि अगर महिला का सशक्तिकरण ज्यादा होगा तो बच्चों की मृत्यु दर कम होगा। नाउ ये डिडक्टिव हमने जो हाइपोथेसिस बनाई, आई कैन टेस्ट दिस हाइपोथेसिस इन सम पर्टिकुलर अदर एरिया, यानी पहले एक्सप्लोरेटिव किया, फिर रिजल्ट्स निकाले, फिर हम उनके बेसिस पर वी कैन हैव फर्दर हाइपोथेसिस, दे कैन बी टेस्टेड एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स इन द अदर फील्ड एरिया, है ना। तो एक्सप्लोरेटिव करके फिर उसके हाइपोथेसिस हम निकाल सकते हैं जिनको टेस्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। प्रेम शंकर तिवारी wants to know that, sir, how should I show the impact of tourism on tribes, economy and ecology? देखिए इसके दो पक्ष हो सकते हैं, टूरिज्म का इफेक्ट जो है ट्राइब्स के ऊपर है या उनकी इकोनॉमी पे आप ले रहे हैं, तो फिर दोनों तरीके, एक तो व्यापारियों के ऊपर असर अलग होता है, जो उसके टूरिज्म से इल इफेक्टेड हुए हैं उनका असर अलग होता है, जो उससे उनको एम्प्लॉयमेंट में फायदा हुआ है उसका इफेक्ट अलग होता है। तो आपको अलग अलग ग्रुप्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर्स आपको पहले से डिसाइड करने पड़ेंगे कि टूरिज्म से इफेक्ट होने वाले कौन कौन से पॉसिबल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं।
जैसे आपने कहा स्टेक होल्डर्स में जो वहां के व्यापारी हैं, जिसके वन ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, वहां के जिनकी जमीन गई या जिनके नुकसान हुआ, दे विल बी सेकंड ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। थर्ड स्टेक होल्डर्स है जिनको उसमें एम्प्लॉयमेंट मिला, दैट इन थर्ड ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो फर्स्ट यू हैव टू क्लासिफाई द स्टेक होल्डर्स कि इस टूरिज्म से अफेक्ट होने वाले ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, और उन सबकी अलग अलग स्टडी होगी, और फिर उस स्टडी को कंबाइन करेंगे आप अलग अलग चैप्टर्स में कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स को क्या क्या असर हुआ। एनवायरमेंट इज अलग, एक अलग स्टेक होल्डर है, एनवायरमेंट भी अलग स्टेक होल्डर्स है। हो सकता है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स का स्टडी नहीं कर पाए, तो आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम केवल, हमने इस स्टडी में इस स्टेक होल्डर की ही स्टडी हम कर रहे हैं। पर सबसे पहले आपको यू हैव टू क्लासिफाई द स्टेक होल्डर्स, देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि हम सारे स्टेक होल्डर्स का स्टडी कर रहे हैं या हम ओनली एनवायरमेंट को ही ले रहे हैं, या बेनिफिशियरीज को ही ले रहे हैं, या जिनको नुकसान हुआ उनको ही ले रहे हैं। सबके ऊपर अलग अलग स्टडीज भी हो सकती है, कंबाइंड भी हो सकती है, पर ये पहले आपको तय करना पड़ेगा, बाद में नहीं होगा। Thank you, sir. And Sohan Ahir wants to know that which tool use in development of dairy industry? What? Development of dairy industry में कौन से tool वो काम मिले? सभी प्रकार के tool तो common होते हैं यार, ये देखना पड़ता है कि dairy industry में आप क्या चीज analyze कर रहे हैं, dairy के perceptual aspect पे कर रहे हैं या उसके economic aspects पे कर रहे हैं, आप डेयरी के उत्पादन से जुड़े हुए से कर रहे हैं, तो ये सारे टूल यूज हो सकते हैं जितने बताए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री के तो कई एस्पेक्ट्स है ना, आप डेयरी इंडस्ट्री का कौन सा एस्पेक्ट देख रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि, तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि डेयरी इंडस्ट्री बहुत इंडस्ट्री है और इसके कई प्रकार के एस्पेक्ट्स है जिसका स्टडी हो सकता है, कौन से एस्पेक्ट्स हैं और कौन से स्टेक होल्डर हैं इनका आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पर टूल डिसाइड होंगे। पहले ये डिसाइड कीजिए कि डेयरी इंडस्ट्री के किस एस्पेक्ट पे ले रहे हैं और कौन से स्टेक होल्डर पे ले रहे हैं, उस हिसाब से फिर टूल डिसाइड होंगे। जी सर, मधु पाठक पूछना चाह रही हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन आल्सो, दैट हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड ओनली इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा और इवन इन क्वालिटेटिव डेटा वी कैन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस? यस, डन। इसमें एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में आप हाइपोथेसिस यू कैन फ्रेम, बी लिव विद देम, ऑब्जर्व देम, कलेक्ट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड गिव योर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दैट हाइपोथेसिस। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं होती, ऐसा नहीं है, पर यू स्टार्ट विद एन हाइपोथेसिस एंड यू अब जो कलेक्ट डेटा आप ये कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में तो बहुत सारी रिसर्च हुई है इस प्रकार की, है ना, इंडियन फार्मर्स पर, आदिवासियों पर, उनके कल्चर पर, तो कुछ रिसर्च उसमें जिनको पहले से मालूम नहीं था वो इंडक्टिव हुई है, और अगर पहले से आपको नोशंस हैं दिमाग में, है ना, तो फिर आपकी मैंने डिडक्टिव मॉडल पे भी हो सकते हैं, तो पहले से डिसाइड कीजिए। सर एक छोटी सी परमिशन चाहूंगा आपसे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हम 15 मिनट के लिए इस सेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं? अरे आप 2 घंटे के लिए कीजिए, मुझे क्या है। रेणु मैम प्लीज गो विद क्वेश्चंस, फ्री आदमी हूं मैं तो। सर एक क्वेश्चन आया है कि एक ही टॉपिक यानी रिसर्च टॉपिक अगर हम लेते हैं तो उस पर इंडक्टिव और डिडक्टिव में से कौन सा अप्रोच बेटर होगा, ये हम कैसे डिसाइड करें? देखिए बेटर कुछ नहीं होता, आप डिसाइड कीजिए कि अगर आपके पास हाइपोथेसिस है ना, आपने स्टडी के आधार पर यू कैन फ्रेम सम हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस बना सकते हैं तो डिडक्टिव भी हो सकता है, और अगर आपको पहले से मालूम नहीं है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे, देन यू कैन यू विल गो विद इंडक्टिव। फिर जैसे मैंने बताया कि वहां पर बुरहानपुर में जो है ट्राइबल के बच्चों की बहुत डेथ हो रही है, क्यों हो रही है, आपके पास जवाब है क्या? नहीं है जवाब, तो कौन सी रिसर्च आएगी? इंडक्टिव आएगी, है ना, एक्सप्लोरेटिव आएगी। अब वो उन्होंने एक रिसर्च निकाल के एक रिपोर्ट निकाल दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने वो कारण बता दिए, अब आप दूसरे ब्लॉक में रिसर्च करना चाहते हैं, अब आपके पास हाइपोथेसिस मिल गई, क्योंकि इन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले दे विल फॉर्म द हाइपोथेसिस, अब उन्हीं रिजल्ट्स को आप यू मेक द हाइपोथेसिस देन कलेक्ट डेटा एंड कम विद एन आंसर, तो इट विल बी डिडक्टिव,
है ना, उन्होंने एक्सप्लोरेटिव करके आंसर्स निकाल दिए। अब उन आंसर्स के बेसिस पे जैसे उन्होंने निकाल दिया कि जिन जिन परिवारों में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 10वीं से ज्यादा पास हैं, उनके बच्चों का न्यूट्रिशन बेटर रहता है। ये उन्होंने बुरहानपुर में अगर रिजल्ट निकाल दिया तो अब आप हाइपोथेसिस क्या फ्रेम कर लेंगे कि 10वीं जिन महिलाओं में जिन परिवारों में महिलाएं 10वीं पास से ऊपर हैं उनके यहाँ इन्फेंट मॉर्टिलिटी कम होती है। अब इस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर रहे हैं, आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट में किया या राजस्थान में किया, तो ये रिसर्च कौन सी हो गई? डिडक्टिव हो गई, है ना। वही चीज पहले इंडक्टिव थी, अब वही चीज आपने डिडक्टिव मोड से कर ली। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एक्चुअली। अगर आपको उसका आंसर नहीं मालूम है जी, तो फिर इंडक्टिव करेंगे और आंसर निकालेंगे, और आंसर मालूम है और आप टेस्ट करना चाहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है, देन यू विल गो फॉर द डिडक्टिव। वैसे मैंने अभी तक सोशल साइंस और ज्योग्राफी की जितनी रिसर्च 95% मुझे सब इंडक्टिव है, हार्डली 2-4% की ऐसी डिडक्टिव मुझे दिखी है रिसर्च, मोस्ट ऑफ देम आर इंडक्टिव। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम कर्मा वांग, हाउ डू वी स्टडी एनवायरमेंट इन रिमोट माउंटेन रीजन? एनवायरमेंट, हाउ डू वी स्टडी एनवायरमेंट इन रिमोट माउंटेन रीजन? जाना पड़ेगा, डेटा के बेस के ऊपर तो आप केवल एक रिपोर्ट बना देंगे। अगर आप वहां का बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, क्लाइमेटिक डेटा अवेलेबल है, लैंडस्लाइड का डेटा अवेलेबल है, सेकेंडरी सोर्सेस से आपने कुछ रिलेशनशिप्स पे लिख सकते हैं तो लिखेंगे, पर इम्पैक्ट एनालिसिस वगैरह करना है तो यू हैव टू गो इन दैट एरिया। बाकी केवल किस साल में कितनी रेनफॉल हुई और उसमें कितना एनवायरमेंट हुआ, रेनफॉल का डेटा ले लिया, फॉरेस्ट का डेटा ले लिया, रिमोट सेंसिंग का डेटा ले लिया और उनके बेसिस के ऊपर आपने सेकेंडरी डेटा के बेसिस पर एनालिसिस की तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस वगैरह करनी है तो उस एरिया में जाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। रिमोट सेंसिस से आप कर सकते हैं, बहुत से सेकेंडरी स्टडी। सर, कर्मा मॉन कह रहे हैं कि डेटा आर नॉट अवेलेबल फॉर दैट रीजन। नहीं तो फिर तो आपको रिमोट सेंसिस से डेटा जनरेट करना पड़ेगा, है ना। या तो ये अपना रिमोट सेंसिंग के जो मैप्स हैं, वहां के टेबल्स हैं, वहां से डेटा जनरेट करना पड़ेगा या फिर कुछ जाना पड़ेगा। सर, वन मोर क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम सीबी जॉर्ज, हाउ टू कंडक्ट थ्योरी ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च? यस, थ्योरी आइदर यू हैव अ थ्योरी एंड देन हैव अ डिडक्टिव रीजनिंग एंड डू द रिसर्च। सर Sir, Shibi don't understand Hindi. Okay. First thing, either if you have some theory or you have some got some theory from some book, you can go to the field, test the theory and come up with certain results. Alternatively, if you don't have a theory, you go for an explorative research in the field and come up with some theory. Means you collect data and make a theory, or you have a theory, collect data and substantiate that theory or negate that theory. Both paths are available. If you have a theory, you can collect the data and say whether this theory is okay or this theory is not okay. If you don't have a theory, you can go for explorative analysis, collect data and build a theory which can be tested by somebody else on some other area. Both paths are available. Thank you, sir. One more question that is from Pawan. Can you suggest what to be take care in preparing questionnaire to identify impact of COVID-19 or recent tourism situation? COVID ke related jitne bhi researches abhi jo kar rahe hain, it is most immature. What I suggest that let the COVID, isme secondary data hi is enough. Abhi aap secondary data hi le sakte hain, kitna COVID ka ये हुआ है, कितने होटल्स के नुकसान हुआ है, कितने होटल्स की अवेलेबिलिटी पे नुकसान हुआ है, कितने टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का नुकसान हुआ है। अभी आप प्राइमरी सोर्सेस के ऊपर, इट इज टू इमेच्योर। जो सेकेंडरी अभी अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पर ही कुछ रिसर्च कर सकते हैं। जब कुछ खत्म हो जाएगा उसके देन ओनली यू कैन गो फॉर प्राइमरी रिसर्च। अभी तो प्राइमरी रिसर्च एक तो जा भी नहीं सकते फील्ड में, और फिर प्राइमरी रिसर्च का भी कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो आपको जो
गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है या इनमें उनमें जो डेटा मिल रहा है उसी के बेसिस पे कुछ हवा में लट लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, मेरा तो कहना यही है। अभी इट इज टू इमैच्योर। Sir, one last question we are taking here, that Manish Kumar want to ask that how to triangulation in investigating a social research phenomenon effect in research? Triangulation is very important. Triangulation means what we call is geography triangulation. This is something different triangulation. It is not survey triangulation. Here triangulation means you are approaching on three grounds. First, you are also observing, you are having discussions with the people and also filling up the schedules. So this is called as triangulation. Mane, what things you miss in the schedule, you can get into the observation. What you miss in observation, you can get from the group discussions. So you are combining all the three into your research component, so you can get better results instead of going into one method only. This is called triangulation. It is different than survey triangulation. It is not that triangulation. Thank you so much, sir. Rest of the questions we will shift it to over to you, sir, and then try to satisfy them through your PPT also, sir. So I'm just here summary your the whole lecture. You started your lecture with the formulating some like mode of research should be defined properly, and then hypothesis is not necessary. You in your early step you easily explained this thing. Then you just clearly said that there must be an official definition of any concept on which you are going to do survey. Then you emphasize on that summary and the difference between the conclusion. I mean, not official. It is not official definition. It is operational definition. Operational definition. Okay, sir. Then you differentiate between summary and the conclusion, and you just point out that conclusion is the answer of the research questions, and summary is the quite different thing. Then you emphasize that recommendations must be there in each and every research work. Then you are talking about so many kinds of the research, that is conceptualization and analytical research, which is basically in the philosophy. Then content analysis, that is mostly in the literature. And then you go for the observation, experiments, concepts and percept kind of that. And you said that concept and percept are the complement to each other, not individually they have their identity. And combinedly, we can say that this is the empirical kind of research. Then you said that we have to focus on the concept more than any other thing. Then you said the types of different research, that analytical analysis of existing status. You can say that it is a kind of report, not as the research. Then you go for that we have to think about the pattern. Then you go for the system analysis. For example, you are giving the example, the PDS, public distribution system. Then you go for the process analysis. Then you for the relationship, that is causal analysis. Then efficiency of policies. Then testing of the hypothesis, building new theories and modifying the old theories. No, not efficiency, efficacy. Pardon, sir? Efficacy. Efficacy. Efficacy of the policies. Which is already made, and then testing of the hypothesis, and then you mentioned that this is research of the both of the kind, that building new theories and modifying the old existing theories. Then you said that methodology is important in the social science, because perception is different from each and every man and women, and since we are dealing the research, so we have to more keen towards the responses. So here you mentioned that observer and observed are the same in the social science research. You also mentioned here that the question should be designed as per the area of the research. We have to more focused on the indigenous part. We have to know the culture of that area, and we have to sense
the culture of that particular area. So one question is not for all. One question is not for all the in respect of space, and one question is not for all the time being. So next of the thing which you have mentioned here, that the field study and visit is must, especially in the social science research. Here you are giving so many examples, actually ground examples, where revenue record is different from the field report, where irrigation data is different from the field visit data. Here you are taking land allotment to the ST group. So you mentioned here that so many social impacts also come out from these research when you are going the visit. Then you are talking about methods. So you mentioned here that experimental methods are there, especially in the psychological type of research. Then simulation method, then observation, then questionnaire formation, schedule, then group discussion and the case studies. Any of the method is not good or bad individually. It depends on the research topic, research question. So here also you give a very, very spiritual kind of statement that truth is depends on the perception, and the reality can be perceived by the itself. It is not, it is, we can say that is irrational or unbiased. Then you mentioned here a specific kind of terminology, that is triangulation method. And I feel that from throughout the lecture, if we are going for the summary, this method or this terminology is one of the best kind of thing that you said, that once you want to go for the field and go for the research, then you have to keep in mind that three methods you have to observe, that is observation, group discussion and the schedule. And schedule, you have to prepare for specific questions to the individuals only, not for the common questions you should not mention here. Then you go for the how to design schedule, and each and every aspect you mentioned here, that that we have to be specific for the question. We should not be asked vague questions, as you given the example of atrocity, and also the non-vegetarians, give the examples. But then you finally conclude your whole lecture in just few words, that the schedule or the observations or the group discussions all depends on the cultural impact of the particular area. So researcher must be familiar with the culture and have the open and ended questions and open mind to get the answers from the recipients. So this is the summary, and I made a little bit mistakes also in it. So nice. Now I hand over the whole session to Dr. Jitendra Soni, sir. Thank you. Thank you, Professor Y.G. Joshi, sir, for a very wonderful deliberation. And thanks, Renu, for your nice moderation. It was really good. And I must say that in your presentation, I felt that how, with very simple language, with very simple examples, how effectively we can present. This is really a learning experience for all of us who are really now, starting our research career in terms of guide, in research career in way of becoming the principal, this investigator in various projects. So it is really, really a very good this lecture for we people also. And at the same time, there are participants who are doing research. I must convey my sincere thanks to you. I must mention here that for today's lecture, we have two reporters. Renu Bagadia will report the lecture in English, and this Pankaj Shekhawat will report in Hindi. And in the next session, tomorrow, they will present the reports of today's session. And
for the formal vote of thanks, I will call Bharat Soni. He is an assistant professor in geography in Haryana. गुड इवनिंग ऑल, शुक्रिया जेडी सर इस काबिल समझने के लिए. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे स्पीकर महोदय प्रोफेसर वाई जी जोशी सर का, जिन्होंने आज हमें एम्पिरिकल स्टडी और रिसर्च का अर्थ बताया, उसकी बारीकियाँ बताई, उसके महत्व पर प्रकाश डाला, बड़ी ही खूबसूरती से हमें उदाहरण दे देकर और फिर उस चीज को समझाया. इनके बाद मैं संयोजक तथा सहयोगी संस्थाओं और उनसे जुड़े सदस्यों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा. हमारे संरक्षक जो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के वीसी प्रोफेसर जीत सिंह सांधु सर, सह संरक्षक के रूप में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर के की प्रिंसिपल डॉक्टर मधु शर्मा मैम और गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप सिंह जी सर और सावित्री बाई फुले महिला पीजी संस्थान सीकर के चेयरपर्सन श्री प्रेम प्रकाश सैनी सर और उसके सेक्रेटरी सर श्री ओपी सैनी जी सर, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अपना लगातार सहयोग हमें इस प्रोग्राम में प्रदान करते रहे हैं. हमारे मेंटर जो हैं शेख सर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. संयोजक के रूप में डॉक्टर जेडी सर का मैं एक विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के मस्तिष्क में उपजे हुए जो विचार थे वही हम जूम ऐप पर आज इस प्रोग्राम के रूप में सबके सामने हम देख रहे हैं. फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर रविंद्र सर का और उनकी टीम का, और डॉक्टर रेणु पुनिया मैम और उनकी टीम जो हर बार एक शानदार रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो प्रोग्राम में एक तारतम्यता अगले मतलब की कंटिन्यूटी जो होती है ठीक है उसको बनाए रखती है. इसके अलावा फिर बैकग्राउंड में जो टीम लगी हुई है हमारी पूरी की पूरी, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली निमिष सर, नितेश सर ठीक है. और सबसे बड़ा जो धन्यवाद अदा करना चाहूँगा वो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो कि हर बार हमारे कार्यक्रम को बिल्कुल सफल बनाते चले आ रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू सर. वी डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड, बट स्टिल for the formal way, you know, I must thank you from deep core of my heart. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now I'm ending this meeting. Yes.